Greetings everyone. So recently we have seen that 3rd of March Haryana Judicial Service examination was conducted, preliminary examination, and I have taken out the set B of that particular examination and am desiring to discuss with you the answers, the probable answers that could come. Although when I'm recording this particular session, I have seen that some special code M answer, code M question paper has been uploaded by them, and also the answer key, and they have asked for the objections. We will see that if we have any objection on any particular question, then it could be referred to them, because this time, maybe earlier also, they have demanded that if you are filing the objection, then you have to give a certain fees to them, so that the seriousness of that particular objection should be there. होता क्या था कि बहुत सारे लोग अनर्गल ही ऑब्जेक्शन डाल दिया करते थे, हर क्वेश्चन पे डाल देंगे. हमें लग रहा है कि हमें नहीं लगना, आप सोर्स दीजिए, देखिए कि इस पे ऑब्जेक्शन बनता है, तभी आप ऑब्जेक्शन डालिए. जहां बनता है वहां पर आपको एनी हाउ एडवाइजेबल है कि आप ऑब्जेक्शन डालें. तो एक बार क्विकली देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं. कुछ क्लस्टर्स में वी हैव डिजाइन द एंटायर स्लाइड, जो पूरी स्लाइड है वो कुछ क्लस्टर्स में डिजाइन की गई है. तो हम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 से चलेगा. क्वेश्चन नंबर वही रहेंगे जो सेट बी के हैं. ये कोड बी है, दिस इज कोड बी व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस. तो आप देख लीजिएगा आपके पास कौन सा कोड है ए सी डी में से, और उसके हिसाब से आप आंसर्स को चेक कर सकते हैं. ऑफिशियल आंसर की आपके पास आ ही गई है, तो नो वरीज, स्टिल वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. और जहाँ कुछ प्रॉब्लम है या फिर मुझे लगता है कि इधर कुछ दूसरा को आंसर बन सकता है, दैट आई विल गिव यू एन सजेशन और एडवाइस दैट यू कैन टेक द सोर्स एंड देन कैन मेक ऑब्जेक्शन. ऐसा हम जो मुझे लगता है मैं उसी में आपसे डिस्कस करूँगा. अदरवाइज आई हैव सीन द पेपर, इट्स टू ईजी. अगेन जो लास्ट वीडियो हरियाणा प्री वाई क्यू एनालिसिस की मैंने ली थी, जब ये नोटिफाई हुआ था एग्जाम, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आपको इंडेक्सिंग पे ध्यान देना है, और आपका सारा जो ध्यान होना चाहिए वो इंडेक्सिंग मतलब फैक्ट्स पे सारा ध्यान जो होना चाहिए वो क्रैमिंग में होना चाहिए. शार्प मेमोरी रहेगी तो आप एग्ज़ाम आराम से निकाल लेंगे. कॉन्सेप्चुअल ये कम पूछते हैं, दिमाग कम लगेगा, तो आप जल्दी पेपर पूरा कर लेंगे. 125 क्वेश्चन ही हैं और वैसा ही पेपर आया है. कुछ क्वेश्चंस थोड़े बहुत लेंथी से हैं, लेकिन वो हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो उसमें ऐसा कुछ दिमाग लगाने के लिए, सोचने के लिए कोई ऐसा एवेन्यू नहीं था. तो पेपर इजी है. अगेन ऑल दो आई एडमिट दिस दैट इन डीजेएस माय जो मेरी प्रेडिक्शन थी कट ऑफ की, उससे तो बहुत आगे चली गई कट ऑफ. तो यहाँ भी प्रेडिक्शन लगाने लायक कोई अभी ऐसा सिचुएशन आया नहीं है, पर हाँ 370 से नीचे तो कोई उम्मीद नहीं है. पर आप देखिए, अगर आप 380 या 90 से ऊपर हैं, 380 से ऊपर भी आप ट्राई कर सकते हो. मेंस का आप प्रिपरेशन शुरू कर दो, 390 के ऊपर आप सेफ ही मानिए अपने आप को. 370 तक जाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पेपर इजी है, बच्चे बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं और कंपटीशन बहुत अच्छे लेवल पे जा रहा है. तो आप 370 में आई एम डाउटफुल, इट मे गो बट नॉट बिलो दैट. पर 380 से ऊपर आप प्रिपरेशन करिए, 390 से ऊपर आप 100% इसके पीछे पड़ जाइए. और लैंग्वेज पे खासा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने अंग्रेज़ी और हिंदी को बहुत अच्छे से संभाल लिया इस पूरे मेंस के पेपर में, तो आपको दिखेगा कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एज मिला है आपको मेंस क्लियर करने के लिए और कट ऑफ हाई जाने के लिए. क्योंकि आपका जितना अच्छा नंबर आएगा मेंस में, उतना ही आप कट ऑफ के अंदर रहने की उम्मीद में रहेंगे, क्योंकि इंटरव्यू का कोई भरोसा नहीं होता कि क्या मार्क्स आपको क्यों मिल रहे हैं. अच्छा जाएगा तब भी कम मिल सकते हैं, क्योंकि आपके हिसाब से अच्छा होगा, ना जाने उन्होंने क्या देखा. और अगर आपको लगता है गंदा भी गया होगा, तो हो सकता है ठीक मार्क्स मिले, क्योंकि उन्होंने ना जाने आप में क्या देखा. तो इसीलिए इंटरव्यू पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते, करते हैं मेंस पे, क्योंकि वो आपके हाथ में है. क्योंकि आपकी जो ज्ञान, आपने जो ज्ञान अर्जित किया है, उस ज्ञान को कैसे आपने दर्शाना है, वो तो आपके हाथ में ही है ना. वो तो वो जनरली देख ही लेंगे. उसमें तो ऐसा नहीं है ना कि वो पर्सनालिटी टेस्ट हो रहा है, ये तो लॉ का टेस्ट है, लैंग्वेज और लॉ. तो कितना आप पारंगत हैं अपने विषयों में, उस पे जरा ध्यान दीजिए. और सब कुछ रिवाइज करके आंसर राइटिंग सिचुएशन पे आइए. आंसर राइटिंग रोज करिए, कम से कम 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम को. कुछ 10 क्वेश्चंस निकाल के आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. फिर एंड में जब आप टूवर्ड्स द राइटिंग मेंस होंगे, तो 10 दिन पहले से मॉक देने शुरू कर दीजिएगा, 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम को, प्रॉपर मॉक्स जो होते हैं.
उससे पहले आप 10 क्वेश्चन सुबह, 10 क्वेश्चन शाम को 3 घंटे के अंतराल में अच्छे से लिखिए। और 10 क्वेश्चन अलग अलग फीचर्स में हो सकते हैं, 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, और हरियाणा PYQs देखते हुए, हरियाणा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हरियाणा के, उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करिए रोज। पंजाब के भी कर सकते हैं, दिल्ली के भी कर सकते हैं, पर दिल्ली में जो वो क्वेश्चंस आते हैं बहुत लंबे लंबे, बहुत बड़े बड़े, उनको आप अवॉइड करिए, क्योंकि उतने लंबे उतने बड़े क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं आते पंजाब या हरियाणा में। पंजाब हरियाणा के जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, तो आप पंजाब के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। वहाँ से बस लैंग्वेज को हटा दीजिए, पंजाबी हटा दीजिए, तो इंग्लिश का भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो और हिंदी के लिए अलग से तैयारी कर सकते हो। अगर आपने ये किया, लैंग्वेज पे आपने अगर जोर दिया, लैंग्वेज पे फोकस कर लिया डे वन से, मतलब आपको एसे इतना अच्छे से लिखना आ गया है कि एसे में आप 100 में से 70-80 नंबर पा सकते हैं। अगर इतना अच्छे से आपने हिंदी निबंध लेखन भी सीख लिया, तो आप समझिए कि आपकी जो नैया है, जो नौका है, वो पार होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। तो लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, मैं हमेशा से कहता आया हूँ, लैंग्वेज इज द की, डोंट अवॉइड लैंग्वेज। और जहाँ GS आता है, GS इज ऑल्सो द की, क्योंकि जहाँ आ रहा है GS या आ रही है लैंग्वेज, उसका मार्क्स जुड़ रहा है ना, या तो क्वालिफाइंग कर दो उसको। जहां पर सिर्फ क्वालिफाइंग होता है वहां फिर चल जाएगा आपका, कि 100 में से अगर आपका 20 क्वालिफाइंग है तो आप 20 नंबर लाए, जो बल्ले बल्ले हो गया, चलो आप बाकी का टेस्ट होगा, क्योंकि ये जुड़ेंगे नहीं, सिर्फ क्वालिफाइंग है। जहां पर ये मार्क्स जुड़ते भी हैं, वहां पर आपको अच्छा स्कोर करना, और बहुत अच्छा स्कोर करना जरूरी है। अच्छा स्कोर करना मतलब जैसे 200 में से आपके 100 आ गए, 130 आ गए, और अच्छा स्कोर, बहुत अच्छा स्कोर करना मतलब 150, 160, 170 तक आप टारगेट कर रहे हो। ये जो एज है ना 30-40 नंबरों का, यही आपको जज बनाता है, क्योंकि कभी कभी लॉ के पेपर ऐसे आ जाते हैं बड़े कठिन से, या फिर हो सकता है कि आपके लिए कठिन हो जाए वो, तो आप लैंग्वेज में कहीं ना कहीं एज ले सकते हैं। तो ये छोटा सा सजेशन मेरा है, बाकी तो खैर आपका पेपर है, आप सजेशंस हैं, ये कमांड्स नहीं है। तो आप देखिए कि अगर आपको सही लग रहा है तो प्लीज़ उस पर वर्क करिए, लैंग्वेज को दरकिनार करके मत रखिएगा, और ये मत सोचिएगा कि इसको देख लेंगे लास्ट में। इस पर रोज़ 2 घंटा देना शुरू कर दीजिए, और जिस भी टॉपिक पे, लैंग्वेज में, भाषा में, जिस भी विषय पे आपकी पकड़ कमज़ोर है, उस पर कार्य करना शुरू करिए, भले ही आपको किसी लोकल टीचर से पढ़ना पड़े, पढ़िए उसको। निबंध लेखन कैसे करते हैं देखिए, प्रेसी राइटिंग कैसे करते हैं देखिए, ग्रामर में जो जो भी सिलेबस में है उसको कैसे संभालना है वो देखिए, उसके रूल्स पता करिए, उसको प्रैक्टिस करिए रोज़। 2 से 2.5-3 घंटे अगर आप देंगे, आप देखेंगे कि लैंग्वेज जैसे ही आपका क्लियर हुआ, कि आपने अब कॉन्फिडेंस आ गया है, वो पेपर आपको बहुत एज दे के जाएगा। चलिए अब क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आए हैं। 125 क्वेश्चन है, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं। DJS में तो जैसे हमने 3 भाग में वीडियोस बनाए थे, क्योंकि बहुत कुछ डिस्कस करना रहता है, उसके क्वेश्चंस बड़े बड़े होते हैं, और उसका एक्सप्लेनेशन समझाने में ही बड़ा टाइम लग जाता है, तो इसीलिए वो 3 भागों में हुआ। ये एक ही वीडियो बनेगी, फटाफट हम क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या आए हुए हैं। तो जो पहला चरण है हमारा हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज का, सिविल जज जूनियर डिवीजन 2024 में, हम अभी पहले चरण में CPC, लिमिटेशन, CRPC, IPC और एविडेंस एक्ट के क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो फटाफट देख लेते हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर्स लिखे हुए हैं ये कोड बी के हिसाब से लिखे हुए हैं, हमने यहाँ पर कोई 1, 2, 3, 4 नहीं किया है। जैसे CPC का शुरू हो रहा है तो CPC के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पहले डील किए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो कोड बी में है वो CPC का क्वेश्चन है, तो इसलिए पहले उसी से शुरुआत हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजंस इज अ डिक्री अंडर सेक्शन 2(2) ऑफ CPC, इनमें से कौन से सेक्शन 2(2) में डिसीजंस जो हैं वो डिक्री माने जाते हैं। अगर आप CPC में सेक्शन 2(2) पढ़े होंगे तो आपको पता है कि डिक्री की डेफिनेशन है, फिर नीचे लिखा हुआ है कि 2 चीज़ें और हम डिक्री मानते हैं, उसमें से एक रिजेक्शन ऑफ प्लेंट भी है। देखिए, रिटर्न ऑफ प्लेंट फॉर प्रेजेंटेशन टू प्रॉपर कोर्ट, इट डज नॉट काउंट टू बी अ डिक्री। डिसमिसल ऑफ सूट अंडर ऑर्डर 23 रूल 1, ऑर्डर डायरेक्टिंग असेसमेंट ऑफ मीन प्रॉफिट, ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस। जब भी आप कोई रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का ऑर्डर देते हैं कि ये प्लेंट रिजेक्ट हो रहा है ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड्स, इट इज़ कंसिडर्ड दैट डिक्री हैज़ बीन गिवन सो दैट इट कुड बी अपील्ड अगेंस्ट। तो रेस्टिट्यूशन हुआ या फिर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हुआ, इनको हम डिक्री मानते हैं। तो डी इज़ योर आंसर। मैं ज़रा कलर चेंज कर लूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का डी आपका आंसर है।
ठीक है जी, नेक्स्ट देखें, फटाफट ऐसे ही हो जाएगा, तो इसमें कुछ ज़्यादा देर लगनी नहीं है हमको। बस हाँ, इससे क्या होगा कि आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो क्रिएट कर सकते हैं, और आपको लगता है कि ये कैसे हुआ तो वो थोड़ी बहुत छोटी मोटी एक्सप्लेनेशन आपको मिली जाएगी। अंडर द लीगल प्रिंसिपल ऑफ कोरम नॉन जुडिस चूज द मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट। अब देखिए, ये जो एक क्वेश्चन है ये डायरेक्टली कहीं नहीं लिखा सीपीसी में। कोरम नॉन जुडिस एक कॉन्सेप्ट है जो आप ज्यूरिसडिक्शंस पे पढ़ते हो कि कोरम का मतलब होता है कोर्ट। वैसे तो कोरम अलग अलग तरीकों से देखा जाता है, कि कोरम का मतलब यहाँ हुआ कोर्ट, नॉन जुडिस का मतलब डज नॉट हैव ज्यूरिसडिक्शन। सो द कोर्ट डज नॉट हैव ज्यूरिसडिक्शन। किन केसेस में आप ये ऑब्जेक्शन उठाओगे कि आपके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है? तीन तरीके की ज्यूरिसडिक्शन होती हैं, टेरिटोरियल, पेक्यूनरी और सब्जेक्ट मैटर। अगर आप देखो तो टेरिटोरियल और पेक्यूनरी में ऐसा नहीं है कि आप अगर ज्यूरिसडिक्शन अज्यूम कर लेते हो तो वो पर से वॉइड एब इनिशियो होता है, फिर वो सेक्शन 21 से गवर्न होता है। अगर फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ तो हम फिर डिक्री ऑफ नलिटी करवा देंगे, मतलब उसको नल एंड वॉइड करवा देंगे। लेकिन थर्ड जो है सब्जेक्ट मैटर, वो इनहेरेंट होता है, वो रूट्स पे जाता है ज्यूरिसडिक्शन के। वहां पर अगर किसी की ज्यूरिसडिक्शन ना हो किसी भी कोर्ट की, तो उसको वो मैटर नहीं लेना चाहिए, वो किसी और जो जिसके पास भी ज्यूरिसडिक्शन है उसके पास भेज देना चाहिए, मतलब रिटर्न ऑफ प्लेंट हो जाती है उसमें। देखें, ऐसा कुछ है क्या? कोरम नॉन जुडिस अप्लाइज ओनली टू क्रिमिनल केसेस। क्या पूछ रहा है ये? चूज द मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट, मतलब कि कोरम नॉन जुडिस को समझाते हुए सबसे अच्छा स्टेटमेंट इनमें से क्या है, कौन सा है? इट सिग्निफाइज दैट द कोर्ट इज एक्टिवली एक्सरसाइजिंग इट्स ज्यूरिसडिक्शन डिस्पाइट प्रोसीजरल इररेगुलैरिटीज। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कोरम नॉन जुडिस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन देयर इज एन यूनानिमस एग्रीमेंट अमंग द पार्टीज रिगार्डिंग द कोर्ट्स ज्यूरिसडिक्शन। ऐसा भी नहीं हो सकता, वो फोरम नॉन कन्वीनियंस पे आ जाता है, क्योंकि नॉन जुडिस का मतलब ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। एग्रीमेंट से आप ज्यूरिसडिक्शन बार तो कर देते हो, लेकिन कोरम नॉन जुडिस जो है वो एग्जैक्टली एग्रीमेंट्स पे नहीं लगता। हम तो मोस्ट एक्यूरेट देख रहे हैं, वैसे तो ये बात गलत नहीं है। ये तो हमें पता ही है कि अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा ज्यूरिसडिक्शंस होती हैं कोर्ट्स की, क्योंकि कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शंस भी होती हैं, ऐसा भी हो सकता है कि तीन चार कोर्ट्स के पास ज्यूरिसडिक्शन हो, तो आप चूज कर सकते हैं एग्री करके कि किसके पास आपको जाना है, तो जो बाकी हैं उनके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगी, ये आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। पर अगर वो कर दें फिर भी केस का निपटारा, तब कोई दिक्कत नहीं होती, अनलेस फेलियर ऑफ जस्टिस दिखाया जाए। लेकिन कोरम नॉन जुडिस अगर सब्जेक्ट मैटर पे आ रहा है तो फिर दिक्कत होती है, और ये वहीं पे रिलेट करता है। It's denoted that the court is acting without jurisdiction, rendering any decree or judgment issued as null and void. Without jurisdiction add कर रहा है, without jurisdiction act कर रहा है, और जिससे कि null and void हो जाती है decree, वही inherent jurisdiction पे पहुंच गए हम, subject matter पे पहुंच गए, quorum non judis mainly उसी feature पे लगता है, तो ये answer D है, इसका भी answer D हुआ। बस यही थोड़ी बहुत डिस्कशन चलती रहेगी, तो एटलीस्ट आपको पता रहेगा कि क्या रीजन है कि आंसर ये है। अ सूट मे बी डिफीटेड अंडर ऑर्डर 1 रूल 9 ऑफ सीपीसी ड्यू टू, अगर आप ऑर्डर 1 रूल 9 सीपीसी पढ़े तो उसमें नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर की बात की गई है। अब जब आप बात करते हैं नॉन जॉइंडर की, तो उसमें दो तरीके से होते हैं, नॉन जॉइंडर ऑफ प्रॉपर पार्टीज और नेसेसरी पार्टीज। देखो, प्रॉपर पार्टीज के बगैर अफेक्टिव तो नहीं आता, लेकिन आ सकता है ऑर्डर, लेकिन नेसेसरी पार्टी ना हो तो वो ऑर्डर किसी काम का है ही नहीं, तो नेसेसरी पार्टी की हमें जरूरी जरूरत होती है। तो कब डिफीट होता है? नेसेसरी पार्टी पे ही होता है। ये अगर आपको थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप आराम से समझ जाएंगे। देखो, नॉन जॉइंडर ऑफ प्रॉपर पार्टीज, मिस जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी, नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी, मिस जॉइंडर ऑफ प्रॉपर पार्टी। लेकिन नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी पे ही सूट डिफीट हो जाता है। ये छोटा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा कुछ डायरेक्टली नहीं लिखा होता, लेकिन जब आप ऑर्डर 1 रूल 9 पढ़ेंगे तो आपको इंडिकेशन मिल जाएगी कि ये क्या बात कर रहे हैं। नेसेसरी पार्टी के नॉन जॉइंडर, मतलब उसको जॉइन ना करने की वजह से सूट डिफीट हो जाता है, क्योंकि वो नेसेसरी है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड, द टर्म जजमेंट एनकंपासेस 29 में, अगर आपने डिक्री, जजमेंट और ऑर्डर के डिफरेंस और उनकी डेफिनेशंस पढ़ी हैं 2, 2, 2, 9, 2, 14 में, तो 29 में जजमेंट, जिस स्टेटमेंट जो लिखी हुई है, ये डायरेक्टली सवाल वहीं से आया हुआ है। ओनली डिक्रीज ऑफ एपलेट कोर्ट, ऐसा कुछ नहीं लिखा 29 में। स्ट्रिक्टली डिसीजन रिलेटेड टू डिक्लेरेटिव, ऐसा भी कुछ नहीं लिखा। द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है, ये स्टेटमेंट जो है ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है, मतलब 29 ऐसे ही लिखी गई है। दैट जजमेंट इज अ स्टेटमेंट गिवन बाय जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर।
यही लिखा हुआ है तो यही आंसर है, तो बहुत सिंपल है। देखो वही तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हर चीज क्रैम शार्प मेमोरी पे डिपेंड कर रहा है। रिगार्डिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ फोरम नॉन कन्वीनियंस, ये आ गया फोरम नॉन कन्वीनियंस, कि जो फोरम मतलब जो कोर्ट है वो हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं है। सेलेक्ट द मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट, कौन सा सबसे एक्यूरेट है, मतलब फोरम नॉन कन्वीनियंस की अगर आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी होगी तो आप समझ जाएंगे। अब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हुआ क्योंकि ये डायरेक्टली कहीं भी सीपीसी में प्रोवाइडेड नहीं है, किसी भी सेक्शन या प्रोविजन या किसी ऑर्डर रूल में, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हुआ, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ते तो उन्हीं के साथ साथ हो ना जो सेक्शंस पढ़ रहे हो आप। फोरम नॉन कन्वीनियंस इज सोली बेस्ड ऑन द कन्वीनियंस ऑफ द प्लेंटिफ, अलाउइंग हिम टू चूज एनी फोरम ही प्रेफर्स, ठीक लग रहा है। द डॉक्ट्रिन अलाउज द कोर्ट टू रिफ्यूज टू एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन इफ अ मोर अप्रोप्रिएट फोरम इज अवेलेबल टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट एंड द कन्वीनियंस ऑफ द पार्टी, ठीक लग रहा है। इट अप्लाइज ओनली टू सिविल डिस्प्यूट्स इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर और कम्प्लेक्सिटी ऑफ सच डिस्प्यूट्स। फोरम नॉन कन्वीनियंस इज एन एब्सोल्यूट बार टू द एक्सरसाइज ऑफ ज्यूरिसडिक्शन एंड नो अदर फैक्टर कैन बी कंसिडर्ड क्वे द सेड इश्यू। आई जस्ट क्विकली सी, देखिए जब फोरम नॉन कन्वीनियंस की बात आती है तो होता क्या है कि जो भी फोरम कन्वीनियंट होगा, मतलब जहां पर सही से इसका निपटारा होगा, निस्तारण होगा, कोर्ट वहीं भेजेगी, भले ही उसके पास ज्यूरिसडिक्शन हो या ना हो। तो कैसा भी इशू हो, कोर्ट वहीं भेजना चाहेगी जहां से उसका बेटर एक डिसीजन आ सके। तो अगर आप देखो तो बात तो वैसे चारों में ठीक ठाक है, पर हमें क्या देखना है, मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट, इसको इस प्रोबेबिलिटी को प्रोनाउंस करने के लिए कौन सा मोस्ट एक्यूरेट है, जिसमें से इन दोनों में से ही मुझे थोड़ी बहुत इंडिकेशन मिल रही है कि फोरम नॉन कन्वीनियंस इज सोली बेस्ड ऑन कन्वीनियंस ऑफ द प्लेंटिफ अलाउइंग हिम टू चूज एनी फोरम ही प्रेफर्स। ऐसा होता तो है जब आपके पास कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शंस हो, पर आप वहीं जाइए जहां पर आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा, मतलब डिसीजन तरीके से आ पाएगा, तो उतना सही नहीं लग रहा है क्योंकि अगला स्टेटमेंट थोड़ा और बल के साथ है। द डॉक्ट्रिन अलाउज अ कोर्ट टू रिफ्यूज टू एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन, ये डॉक्ट्रिन एक्चुअली उन्हीं कोर्ट्स के लिए है जो ये कहते हैं कि देखिए हमारे पास आने से अच्छा है आप वहीं जाइए क्योंकि एविडेंस वहां पर है, डिफेंडेंट वहां पर रहता है, जल्दी आएगा, विटनेस एग्जामिनेशन वहां पर ढंग से हो पाएगी। तो रैदर देन सेइंग दैट कि प्लेंटिफ का राइट है, से दैट द फोरम नॉन कन्वीनियंस इज मोर अबाउट द कोर्ट डिसाइडिंग दैट इफ ही शुड टेक द मैटर और नॉट और रिक्यूज हिमसेल्फ। तो द डॉक्ट्रिन अलाउज अ कोर्ट टू रिफ्यूज टू एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन इफ अ मोर अप्रोप्रिएट फोरम इज अवेलेबल टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट एंड द कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज। फोरम नॉन कन्वीनियंस की, मेरा जो कोर्ट है वो तुम्हारे लिए कन्वीनियंट नहीं है, वहां जाइए वो ज्यादा कन्वीनियंट है। तो इन दोनों में से ये एक अप्रोप्रिएट जवाब है, तो बी इज द आंसर, मोस्ट एक्यूरेट। देखना है, फिल्टर करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस में, और ऐसे कम ही क्वेश्चंस आए हैं ना। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द सीपीसी रिलेट्स टू द पावर ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये तो सबको ही पता है, बी इज द आंसर। 144 इज द पावर ऑफ रेस्टिट्यूशन, जब डिक्री आपकी मॉडिफाई हो जाए या रिवर्स हो जाए या सेटिसाइड हो जाए, तो जो भी आपने एग्जीक्यूशन में दिया है वो वापस चाहिए, उसको बोलते हैं रेस्टिट्यूशन, 144 में लिखा हुआ है। वेर एनी प्रॉपर्टी इज ऑर्डर्ड टू बी सोल्ड बाय पब्लिक ऑक्शन इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ द इंटेंडेड सेल, सच प्रोक्लेमेशन कैन बी ड्रॉन अप विदाउट गिविंग नोटिस टू द डिक्री होल्डर एंड द जजमेंट डेटर। सच प्रोक्लेमेशन शैल स्टेट द टाइम एंड प्लेस ऑफ सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, ध्यान रखिएगा इस इन चीजों को, वैसे तो जनरली एग्जाम में बोल्ड कर दिया जाता है, मान लो कि लिखा है इनकरेक्ट, मान लो लिखा है एक्यूरेट, मान लो लिखा है फॉल्स, मान लो लिखा है ट्रू, बिकॉज समटाइम्स व्हाट यू सी यू डू नॉट रीड द एंटायर क्वेश्चन, करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लोगे और गलत आंसर मार्क कर दोगे, इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लोगे गलत आंसर मार्क कर दोगे, इसलिए ज्यादातर ये सेक्शन जो होता है, जो वर्ड होता है, इसको बोल्ड करके रखते हैं। तो फॉल्स रिगार्डिंग दी प्रोक्लेमेशन ऑफ एन इंटेंडेड सेल, आप ऑर्डर 21 में भी इसके कुछ रूल्स हैं और सेक्शन भी है इसके लिए सीपीसी में, और वैसे अगर आपको नहीं भी आता होगा तो आप फिल्ट्रेशन करके देख लीजिएगा। तो पहला है सच प्रोक्लेमेशन कैन बी ड्रॉन अप विदाउट गिविंग नोटिस टू द डिक्री होल्डर एंड द जजमेंट डेटर, मुझे ये पढ़ के ही लग रहा है कि गलत है,
सच प्रोक्लेमेशन शैल स्टेट द टाइम एंड प्लेस ऑफ सेल, ये तो बिल्कुल होना ही चाहिए। सच प्रोक्लेमेशन शैल स्पेसिफाई एनी एनकम्बरेंस टू विच द प्रॉपर्टी इज लायबल, बिल्कुल होना चाहिए। भाई आप पब्लिक ऑक्शन कर रहे हैं तो आप बताएंगे नहीं कि कब करेंगे, आप बताएंगे नहीं, ये तो आपको नहीं भी आपने पढ़ा होगा प्रोविजन, तब भी आप कॉमन सेंस लगा के आंसर दे देंगे इसका। देखिए प्रोक्लेमेशन में आप ये भी तो बताओगे ना कि इसमें कोई एनकम्बरेंस पड़ा हुआ है क्या, कोई मॉर्गेज है कि किसी तरीके से ये रेस्ट्रिक्टेड है, कोई प्रॉपर्टी लीज्ड है किसी के पास, सारी डिटेल्स दोगे। सच प्रोक्लेमेशन शैल स्टेट वेदर द प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड वुड बी सफिशिएंट टू सेटिस्फाई द डिक्री और नॉट, कि इस ये प्रोक्लेमेशन में ये भी होना चाहिए कि कितना पैसा आप इससे अर्जित करने वाले हैं, क्या उससे डिक्री सेटिस्फाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, सच प्रोक्लेमेशन शैल कैन बी ड्रॉन अप विदाउट गिविंग नोटिस टू डिक्री होल्डर एंड जजमेंट डेटर, जजमेंट डेटर और डिक्री होल्डर को बताए बगैर आप प्रोक्लेमेशन कर देंगे, ये तो बिल्कुल ही एब्सर्ड लग रहा है ना। वैसे भी ये तीनों ठीक ही लग रहे हैं, तो ये एब्सर्ड लग रहा है, तो ऑब्वियसली कौन सा फॉल्स होगा, ये गलत लग रहा है, तो ए आंसर है आपका। फिल्ट्रेशन भी बहुत काम आ जाती है कभी कभी, भले ही आपको प्रोविजन आता हो या नहीं आता हो। अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 डी सीपीसी विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ बार्ड बाय लॉ, 11 डी में बार्ड बाय लॉ हो तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हो जाता है जिस लॉ में, यहां भी देखिए फिल्ट्रेशन बड़ा काम आ जाएगा। ज्यूरिसडिक्शन तो डायरेक्ट है, अगर आपको ज्यूरिसडिक्शन नहीं है तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हो जाता है। लिमिटेशन तो डायरेक्ट है, कितने केसेस में बोला गया है और सबको पता है ऑर्डर टू और ऑल ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता, तो बचा यही है। और वैसे भी अगर आप ना भी देखते और कुछ तो ऑर्डर टू रूल टू और रेस जुडिकाटा के ग्राउंड पर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट नहीं होता, तो ये तो बहुत जनरल है, तो इसीलिए डज नॉट फॉल जो ऑर्डर 7 रूल 11 डी है उसमें ऑर्डर टू रूल टू और रेस जुडिकाटा नहीं आता। मतलब अगर रेस जुडिकाटा से बार्ड, क्योंकि रेस जुडिकाटा अगर है तो उससे बार्ड होगा, रेस जुडिकाटा का एक्चुअली इशू बनता है और इशू के बाद उसको डिसाइड किया जाता है कि ये बार्ड बाय लॉ बिकॉज ऑफ रेस जुडिकाटा है कि नहीं, तो उसके बाद वो सूट डिसमिस होता है मेरिट्स पे। ठीक है जी, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में जनरली क्या होता है कि बार्ड बाय लॉ के जब इवेंट पे आप जाते हैं तो ज्यूरिसडिक्शन और लिमिटेशन इन्हीं सब इश्यूज से आप बार्ड बाय लॉ दिखाते हैं। डिफेंडेंट टू अ सूट अगेंस्ट हुम नो रिलीफ इज क्लेम इट्स कॉल्ड, देखिए ऐसा डिफेंडेंट जिसके खिलाफ कोई आपको रेमेडी नहीं चाहिए, मतलब कि जिस पे आपको कोई जजमेंट डलवानी नहीं है, कोई लाइबिलिटी डलवानी नहीं है, ऐसे डिफेंडेंट को फॉर फॉर्मेलिटी ही लाया जाता है और उसको बोलते हैं प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी आप देख लीजिए, इंटरवीनर्स का कोई मतलब नहीं है, को डिफेंडेंट की कोई मतलब नहीं है, प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट है। प्रोफॉर्मा मतलब फॉर फॉर्मेलिटी, सिंपल सी बात है। जब कोई प्लेंटिफ आना चाहिए था लेकिन डिफेंडेंट बना के लेके आते हैं तो उसको प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट बोलते हैं। द सीपीसी अमेंडमेंट एक्ट 1999 एज वेल एज द अमेंडमेंट एक्ट 2002 वर हेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड इन द केस ऑफ, ये केस तो सबको ही पता है सेलम एडवोकेट, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अमेंडमेंट्स थी और उन अमेंडमेंट्स में जितने भी अनोमलीज थी उन अनोमलीज को बहुत ही अच्छे से डील किया गया सुप्रीम कोर्ट में इस केस में, सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन। तो डी इज योर आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। अगर आपको 2000 के बाद वाली जो अमेंडमेंट्स हैं उनके इंटरप्रिटेशंस को पढ़ना है, जो अनोमलीज हैं उनको रिमूव करना है और आंसर्स ढंग से लिखने हैं, तो ये आप जजमेंट जरूर सीपीसी के लिए पढ़ें, मेंस में बहुत काम आएगी आपको। ऑर्डर 1 रूल 10 ऑफ सीपीसी डील्स विद, ऑर्डर 1 रूल 10 में आप मेमो ऑफ पार्टीज जो होता है उसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन स्ट्राइकिंग ये सब करते हैं, तो स्ट्राइकिंग ऑफ पार्टीज ठीक है, एडिशन और सब्सटीट्यूशन बिल्कुल सही लिखा है, तो ऑल ऑफ दी अबव डी इज योर आंसर। 90 जो चीज़ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है उसमें तो क्या ही करोगे। द सीपीसी एक्सटेंड्स टू, देखिए पहले तो सीपीसी एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर भी था, स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज भी था, तो दोनों ही थे, तो बहुत बीएनसी, पर 2019 के बाद ये वाला भी खत्म हो गया, तो होल ऑफ इंडिया वैसे ठीक तो है लेकिन होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज ज्यादा बेटर है, तो बेटर कौन सा हम देखेंगे ना, तो सी इज योर आंसर। होल ऑफ इंडिया तो है ही है लेकिन ये बेटर हो गया ना, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड द ट्राइबल एरिया। वैसे अगर मैं 2019 से पहले देखूं तो ये भी ठीक था, तो हम डी आंसर करते, पर 2019 के बाद पूछ रहे हैं तो इसीलिए सी आंसर होगा। The expression cause of action denotes, cause of action is a bundle of facts which is necessary to prove a particular case. A bundle of essential facts, पढ़ के दिख रहा है,
necessary for the plaintiff to prove obviously an important subject of litigation, no, a point in question, not a point in question. This is the bundle of facts which is the question itself. यही तो पूरा case है cause of action, जिसमें rights और उस rights को बनाने वाले facts को prove किया जाता है. तो A is your answer. The contract was entered into between, अब हम contract law पे आगे, CPC questions खत्म. The contract was entered into between A and B in Hyderabad. Performance occurred in Pune. देखिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ हैदराबाद में, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने की जगह तो हैदराबाद है. परफॉर्मेंस अकर्ड इन पुणे, और आपने परफॉर्मेंस किया पुणे में. एंड द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टुक प्लेस इन नागपुर. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नागपुर में हुआ. द प्लेंटिफ ए रिसाइड्स इन दिल्ली. प्लेंटिफ जो है वो दिल्ली में रहता है. वैसे भी अगर जरिस्डिक्शन का केस है तो प्लेंटिफ जहां रहता है वहां कभी केस नहीं होने वाला, तो दिल्ली तो कभी जरिस्डिक्शन बनेगी ही नहीं. ये बन सकती हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होना एक जगह पर एक जरिस्डिक्शन को बना रहा है, परफॉर्मेंस होना भी जरिस्डिक्शन को बना रहा है, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी जरिस्डिक्शन को बना रहा है. लेकिन इसमें से भी परफेक्ट जरिस्डिक्शन क्या होगी, जहां ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जहां परफॉर्मेंस नहीं दी, क्योंकि उसी की एविडेंस आप दोगे कि यहां पे परफॉर्मेंस करनी थी इसने नहीं की. तो वैसे तो परफेक्ट नागपुर ही है. अच्छा आगे क्या बोल रहा है देखे तो सही. अ प्लेंटिफ ए रिसाइड्स इन दिल्ली विशेस टू फाइल अ सूट फॉर डैमेजेस अगेंस्ट बी हु रिसाइड्स इन पुणे. अच्छा डिफेंडेंट पुणे में रहता है, तो जहां डिफेंडेंट रिसाइड करता है वहां भी आप जा सकते हैं, तो पुणे भी आपकी जुरिस्डिक्शन अच्छे से बन गई. हु रिसाइड्स इन पुणे. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स ए कैनॉट फाइल द सूट. अच्छा कैनॉट फाइल द सूट, कहां सूट फाइल नहीं कर सकता. तो मैंने तो पहले ही बता दिया दिल्ली में नहीं करेगा. खैर देखें हैदराबाद में कर सकता है, मैंने बताया आपको नागपुर में कर सकता है, ये तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कॉज ऑफ एक्शन यहाँ पे अराइज हो रहा है. दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिल्ली में नहीं कर सकता, पुणे में कर सकता है, तो ये तीनों हो सकते हैं, ये नहीं हो सकता. दिल्ली आ गया आंसर, ठीक है ना. ये सेक्शन 20 पे बेस्ड है सीपीसी. इन अ सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्लेंटिफ डिड नॉट अपियर ऑन द डेट फिक्स फॉर अपियरेंस, तो डिफॉल्ट फॉर डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट हो जाता है. However, defendant appear and hence the court dismiss the suit in default. Correct. जब dismissal in default हो जाता है, अगर defendant आ जाए, plaintiff ना आए. An application for setting aside the order of dismissal was filed by plaintiff, which was rejected by the court. तो setting aside of the order डाला, वो dismiss कर दिया. What remedy is available to the plaintiff against such rejection? This is plaintiff. Plaintiff can file an appeal against the order rejecting the application. देखिए जब setting aside ना हो पाए तो आप फिर appeal ही लेके जाते हैं. Plaintiff cannot file an appeal but only a revision. Plaintiff can file both appeal and revision against the decision of the court. Plaintiff can file a fresh suit against the defendant. इसमें देखिए if you go to order 9 में आपका rule 8 है और 9 है. द ऑर्डर 9 रूल 8 एंड 9 विल गवर्न दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. एंड देयर यू कैन सी दैट अल्टीमेटली व्हाट इज द लॉ इज दैट ही कैनॉट ब्रिंग अ फ्रेश सूट, तो ये तो नहीं है. प्लेंटिफ कैन फाइल बोथ अपील एंड रिविजन. देखिए वेन एवर सच काइंड ऑफ ऑर्डर्स आर गिवन, ऑब्वियसली इट इज रिटन दैट ही कैन फाइल फॉर the order of dismissal, an application for setting aside the order of dismissal. But the thing is that if he is not not given the remedy of setting aside, then the only remedy that is left to him is to go in appeal. तो 104 का जो A है वो appropriate answer है, क्योंकि revision में जाने से पहले आपके पास appeal है, तो revision में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, because revisional jurisdiction जो है it is entirely working on a different perspective. So you have appeal against the order of dismissal that you can take. So plaintiff can file an appeal. तो ना revision वाला आ रहा है ना ये आ रहा है, तो तीनों तो cross हो गए, तो एक यही बचा, और यही ठीक भी है. तो इसीलिए A is your answer. Which of the following statements relating to CPC is incorrect? The court deals with procedures relating to courts of civil judicature. बिल्कुल सही है. The court deals with some substantive rights. ये भी ठीक है. The court is also a penal enactment dealing with punishments and penalties. कोई penal enactment नहीं है, ये civil है तो criminal तो है ही नहीं. None of the above is incorrect. क्यों भाई ये incorrect है. The CPC is not a penal code. CPC में कोई पनिशमेंट प्रोवाइडेड नहीं है. CPC का पनिशमेंट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ना ही ऑफेंसेस से. तो ये सी इज द आंसर. वेयर अ प्लेंटिफ इज अनअवेयर ऑफ द फ्रॉड परपेचुएटेड अपॉन हिम
फ्रॉम वॉट डेट वुड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन बिगिन, ये तो बहुत सिंपल सा है इसमें तो, अगर जब फ्रॉड डिस्कवर हो जाता है तभी से आप पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू करते हैं. इट डज नॉट अफेक्ट द लिमिटेशन पीरियड, हाँ लिमिटेशन पीरियड बिगिन फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज क्वे द फ्रॉड, येस यही यही है. इट शॉर्टन्स द लिमिटेशन पीरियड, नॉट एट ऑल, इन एनी वे, नो नो नॉट एट ऑल. बी इज योर आंसर. इसमें आप सेक्शन 17 देखिए, लिमिटेशन एक्ट. From which date would the period of limitation begin in respect of a suit for specific performance of a contract? The date fixed for its performance, obviously. If no date is fixed when the plaintiff has noticed that performance is refused, yes. So both A and B, दोनों ही ठीक हैं. C is your answer. Section 14 of Limitation Act deals with exclusions, extension of prescribed period, not at all. Exclusion of time proceeding bona fide in court without jurisdiction, yes. B. बोथ ए एंड बी तो नहीं हो सकता, नन ऑफ दी अबव. बी एक्सक्लूजन की बात करते हैं, एक्सटेंशन की बात नहीं करते. लीगल एड टू अक्यूज्ड एट स्टेट एक्सपेंसेस इज डेल्ट अंडर 304 सीआरपीसी. डायरेक्ट सवाल है, इंडेक्स बेस्ड है, कुछ नहीं कर सकते आप इसमें, कोई एक्सप्लेनेशन थोड़ी चाहिए इसकी, ये तो डायरेक्ट सवाल है. इन क्रिमिनल ट्रायल जनरली द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन, ऑब्वियसली बात है भाई, क्रिमिनल ट्रायल में बर्डन ऑफ प्रूफ सबसे पहले किसके ऊपर होता है? प्रोसिक्यूशन को, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का स्टैंडर्ड है. तो प्रोसिक्यूशन बी इज द आंसर. कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है. द पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू ऑर्डर पर्सन टू गिव स्पेसिमिन सिग्नेचर्स, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, 311 ए है. सीआरपीसी चेक कर लीजिए, तो फैक्चुअल क्वेश्चन है इसमें, तो आप क्रॉस चेक करके आराम से जान सकते हैं. चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैज पावर टू इम्पोज इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years. 7 साल की कर सकता है, क्योंकि 3 साल तक की तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास की है, फर्स्ट क्लास की है. लाइफ इंप्रिजनमेंट इज अबव सेशन सेशन कोर्ट का ही है सिर्फ. 10 साल असिस्टेंट सेशन जज का है, तो 7 साल ही बचा. सेक्शन 28-29 अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. सेक्शन 29 में है ये, सेक्शन 29 ऑफ सीआरपीसी, वहां पर मिल जाएगा आपको. इफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड विशेज टू अबैंडन अ पार्ट ऑफ द क्लेम, वॉट वुड बी द करेक्ट प्रोसीजर टू बी फॉलोड? अनसाउंड माइंड का अगर कोई हो और अपना पार्ट ऑफ क्लेम अबैंडन करना चाहता हो, ऐसे सीपीसी का क्वेश्चन है, तो क्या प्रोसीजर होता है? तो जो बहुत जनरल है कि अनसाउंड माइंड का होगा तो उसके बेनिफिट के लिए होगा, तभी आप हटा सकते हैं. तो ई कैन पर्सनली थ्रू हिज एडवोकेट फाइल एन एप्लीकेशन, ओके, एफिडेविट ऑफ द नेक्स्ट फ्रेंड एंड विद द लीव ऑफ द कोर्ट, येस. सर्टिफिकेट ऑफ द प्लीडर दैट द अबैंडनमेंट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, देखिए ऑल्दो दोनों ही चीजें चाहिए. आई जस्ट गिव यू द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑन दैट. इसमें आप देखिए कि दोनों ही ऑप्शन ठीक लग रहे हैं, क्योंकि आपको अनसाउंड माइंड हो या माइनर हो, नेक्स्ट फ्रेंड की जरूरत पड़ती है, और नेक्स्ट फ्रेंड भी चाहिए आपको, और कोर्ट से पूछना भी जरूरी है, और ये भी देखना जरूरी है कि अबैंडनमेंट जो है वो उसके बेनिफिट के लिए हो, तभी आप अबैंडन करने देंगे. तो ये दोनों रिक्वायरमेंट सही हैं. पर्सनली थ्रू हिज एडवोकेट जो है वो, ये भी सही लग रहा है देखने में कि वो पर्सनली आ सकता है, लेकिन पर्सनली उसको अलाउड नहीं है, क्योंकि अनसाउंड माइंड या जो माइनर होते हैं इनके सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड हैं अगर आप ऑर्डर 32 पढ़ेंगे तो वहीं पे आपको मिल जाएगा कि जो आप नेक्स्ट फ्रेंड है वो ही कर सकता है. लीव ऑफ द कोर्ट बहुत ज़रूरी होती है इसमें, क्योंकि कोर्ट उस पर ध्यान देगा कि मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ कि नहीं. ये खाली एक फॉर्मेलिटी नहीं है. द लीव ऑफ द कोर्ट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ द कोर्ट, एप्लीकेशन ऑफ द माइंड ऑफ द कोर्ट टू सी दैट इफ इट इज हैपनिंग ट्रुथफुली एंड फ्रूटफुली फॉर द अनसाउंड और नॉट. और सर्टिफिकेट ऑफ द प्लीडर दैट द अबैंडनमेंट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. तो बोथ बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर. सेक्शन 87 ऑफ सीआरपीसी ऑथराइजेज इशुएंस ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ समन्स इन एडिशन ऑफ समन्स, दोनों ही केसेस में होता है. सी इज योर आंसर. इन ल्यू मतलब इन प्लेस ऑफ समन्स, इन एडिशन मीन्स समन्स के साथ साथ वारंट भी दे सकते हैं. 87 पढ़ लीजिए और 204 पढ़िए, इशू प्रोसेस दोनों इकट्ठे पढ़े जाते हैं. Under Section 107 of the CRPC, in what circumstances can an executive magistrate require a person to execute a bond for keeping the peace? Only when a breach of peace has already occurred. ऐसा जरूरी नहीं है. अगर breach of peace हो सकता है उसके लिए mainly होता है, that there is a possibility. Only when person has a criminal record, ऐसा भी नहीं होता. When the executive magistrate receives information that such person is likely to commit, better है. A breach of peace or disturb public tranquility. Yes, this is the exact ground written. मैं बिना आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है शायद मुझे.
फिर भी when there is a request from the local police, request भी होती है, मैं practically आपको बता दूं कि request ही होती है, पुलिस वाले actually, और ऐसा भी नहीं होता कि आपको सपने आएंगे कि ये पब्लिक ट्रांक्विलिटी ब्रीच करेगा, तो बहुत जनरल सी बात है कि पहले कभी ना कभी कोई ऐसी वारदात होती है, कोई इंसिडेंट होता है कि वो ब्रीच ऑफ पीस कर रहा होता है, जैसे मोहल्ले में बहुत चिल्ला रहा है या दो लोग आपस में बहुत झगड़ते हैं मोहल्ले में, तो वो लोकल पुलिस को बुलाते हैं, लोकल पुलिस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को SDM को जनरली एक 7-13 की 7-15 की कार्रवाई होती है, तो इसी इसी को बोलते हैं, तो वो एक बॉन्ड ऑफ पीस भरवा लेती है कि आप आगे से ऐसा नहीं करेंगे, नहीं तो आपके जमानती जब्त कर लिए जाएंगे, जो भी आपका अमाउंट है वो फोरफिट कर लिया जाएगा। तो वैसे तो ये भी ठीक है, पर ये बेटर ऑप्शन है, क्योंकि हम चारों में से एक करना है, तो बेस्ट तो ऑप्शन यही है, 107 पढ़ेंगे तो आपको यही लिखेगा, तो सी ठीक है, ये भी ठीक है प्रैक्टिकली देखा जाए तो। पर और क्रिमिनल रिकॉर्ड होना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड मतलब उसका कोई हिस्ट्री शीटिंग हो या फिर चार्जशीटेड हो कई जगहों पे या फिर कन्विक्ट हुआ हो पहले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। What is the time limit for sending a woman alleged to be a victim of rape for medical examination as per 164A1? Obviously 24 hours, इसमें तो कोई दो राह ही नहीं है, आप 164 पढ़ेंगे तो आपको 24 घंटे में लिखे मिल जाएंगे। According to section 172(2) of CRPC, for what purpose can a criminal court use the police diary in a case? Police diary कभी भी substantive piece of evidence नहीं होता और ना ही उसको यूज करते as such, जब तक कि रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी वगैरह वो सब जो हम पढ़ेंगे 159 एविडेंस एक्ट उस सब में ना हो। देखते हैं क्या बोल रहा है, प्राइमरी एविडेंस तो बिल्कुल भी नहीं है, एज एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड भी नहीं है, एविडेंस यूज ही नहीं करते हम इसको, नॉट एज एविडेंस इन द केस बट टू एड इन इंक्वायरी और ट्रायल, यस दिस इज टू रिप्लेस द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस, नहीं ये भी सही नहीं है, सी इज योर आंसर। आप 172 ही पढ़ लीजिए, आपको वहीं पर मिल जाएगा ये स्टेटमेंट। Who amongst the following cannot give an order to disperse an assembly by use of civil force? Executive magistrate का तो है ही अरे ना, ये officer in charge of police station, obviously police और executive magistrate का ही काम है, judicial magistrate का नहीं है ये, sub inspector rank officer, वो तो चलो इसी में officer in charge के subordination में आ गया, among the following cannot है ना, तो ये बस सी ही answer है, आगे क्या सोचना है। In which case was it held that the identity of a victim relating to sexual offences is not to be disclosed in a judgment order to be passed by the court? I hope that this is Dinesh versus State of Rajasthan. So C is your answer. Dinesh versus State of Rajasthan में शायद ये कहा था, if I am not wrong, मैंने जो थोड़ा बहुत देखा। Who can frame the charge under the CRPC? Charge तो court frame करती है ना, इसमें तो कुछ दोरा ही नहीं है, कुछ चीजें तो ऐसी है ना इसमें, आप आगे क्या पढ़ के करोगे, क्या पीपी कभी charge frame करेगा, पुलिस ऑफिसर चार्ज फ्रेम करेगा, चार्ज फ्रेम करा जाता है कोर्ट के द्वारा। इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट विद अ व्यू टू फाइंड आउट प्रिमिसेसी केस, परफेक्ट, कन्विक्ट द अक्यूज नॉट एट ऑल, इंक्वायरी इज कंडक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, इंक्वायरी इज कंडक्टेड टू टेक कॉग्निजेंस, टू इश्यू प्रोसेस और टू डू कमिटल एंड टू कॉल द अक्यूज फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग चार्ज एंड देन द ट्रायल विल बिगिन आफ्टर इंक्वायरी। तो इस काम के लिए कॉग्निजेंस, इशू प्रोसेस, 207-208 मतलब उसको डॉक्यूमेंट्स देना, चार्ज के हियरिंग के लिए बुलाना कि चार्ज लगाया जाए कि नहीं लगाया जाए एंड व्हाट चार्ज शुड बी। तो इससे पता चलता है कि केस आपके अगेंस्ट प्राइम एफएसआई है कि नहीं, फिर ट्रायल में पता चलता है कि असली में हुआ है कि नहीं, ट्रुथ तो ट्रायल में पता चलता है। तो कन्विक्ट द अक्यूज तो बिल्कुल भी नहीं है, कन्विक्शन तो ट्रायल में होती है। ऑथराइज रिमांड ऑफ अक्यूज्ड, ये तो इन्वेस्टिगेशन में होता है। रिलीज द अक्यूज अंडर सेक्शन 436, बेल भी इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे ही हो जाता है, वैसे तो यहां भी होता है इंक्वायरी में। मान लीजिए आप पहले अरेस्ट नहीं हुए, जब चार्जशीट आ गई तो आपका अरेस्ट करके ले आया, तो आप ये दोनों काम भी करोगे, लेकिन इस इंक्वायरी का एज सच रोल ये नहीं है, इंक्वायरी का रोल है प्राइमा फेसाई केस को समझना, क्योंकि कॉग्निजेंस इज द मेन स्टेज दैट स्टार्ट्स विद इंक्वायरी। इंक्वायरी जो स्टार्ट होती है वो कॉग्निजेंस से होती है, संज्ञान लेने से। तो ए इज योर आंसर, यहाँ पे ए लिख लीजिए, ए इज योर आंसर। Which out of the following sections of CRPC is related to juvenile jurisdiction? It is section 27. 27 है कि 28, 29 तो jurisdictions हैं। I hope it is 27 only. 24, 25, 26, 27 है। False statement, rumor, etc.
सर्कुलेटेड विद इंटेंट टू कॉज म्यूटनी और ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक पीस इज डेल्ट अंडर। अभी एक सब्सटैंटिव ऑफेंस के बारे में बात कर रहा है। देखिए 300 तो मर्डर है, ये थोड़ी होगा। 299 तो कल्पेबल होमिसाइड है, 351 क्रिमिनल फोर्स है, तो यही बचा 505। अब मुझे इसमें ज़रूरी थोड़ी था कि पता रहे कि ये कहाँ पर लिखा होगा। मैंने फिल्ट्रेशन यूज़ करी, मैंने देखा चारों ऑप्शन में 300 तो मर्डर डिफाइन कर रहा है, 299 तो कल्पेबल होमिसाइड है जिसको आप क्या बोलते हैं दंडनीय मानव हत्या, और 351 क्रिमिनल फोर्स 349 से शुरू होता है, तो ये तो 354 असॉल्ट के आसपास पहुंच रहा है, तो 351 तो असॉल्ट लग रहा है मुझे, 354 सेक्सुअल असॉल्ट, 351 असॉल्ट का डेफिनेशन है, तो ये तो नहीं लग रहा है र्यूमर सर्कुलेटेड विद इंटेंट। तो जब तीनों ही नहीं है तो यही बचा और यही निकला। फिल्टर टू कॉन्स्टिट्यूट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अंडर सेक्शन 120 ए ऑफ आईपीसी द मिनिमम नंबर तो 2 ही है ना, मतलब ये क्वेश्चंस पे तो क्या ही आपको पिछले उसमें लिख लिया था आपने, ए ए लिख लीजिए इसमें, ए इज योर आंसर। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट द ऑफेंस ऑफ, अगर आप सेक्शन 97 पढ़ेंगे तो सेक्शन 97 में ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी में तो सबके खिलाफ आपके पास है, और ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में सिर्फ चार ही हैं, थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ एंड क्रिमिनल ट्रेसपास इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो थेफ्ट में भी है, मिसचीफ में भी, क्रिमिनल ट्रेसपास, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन में आपको नहीं मिलता। इज नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल लिखा है ना, तो क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन में अवेलेबल नहीं है। डी इज योर आंसर। हु अमंग्स द फॉलोइंग कैन टेक अ प्ली ऑफ इग्नोरेंस ऑफ इंडियन लॉ, इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूज एक्ट, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल टू एनी वन, वेन एवर यू आर इन अ नेशन टू एनी वन इट इज नॉट एक्सक्यूजेबल। तो ये तो नन ऑफ द अबव ही है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं, इंडियन सिटीजन को भी अवेलेबल नहीं है, फॉरनर्स को भी नहीं है, एनआरआईज को भी नहीं, किसी को भी नहीं है। यू मस्ट नो द लॉ। इन अ बसलिंग मार्केट टू बॉयज क्यू एंड टी एंगेज इन अ हीटेड आर्ग्यूमेंट दैट क्विकली एस्केलेटेड इन टू अ फिजिकल ऑल्टरकेशन इन द मिड्स ऑफ द कॉन्फ्रंटेशन, क्यू विदाउट एनी प्री मेडिटेशन pulled out a concealed blade and inflicted a deep cut on the face of T, resulting in a permanent scar on T's cheek. What offense is Q guilty of? अब देखिए क्या हुआ, Q और T के बीच में हाथा, पहले गर्मा गर्मी चल रही थी, जबानी तौर पे एक दूसरे को गालियां वालियां दे रहे होंगे, हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया, या फिर जो भी एक दूसरे को अपशब्द बोल रहे होंगे, तो हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया और वो हीटेड आर्ग्यूमेंट एकदम से हाथापाई में बदल गया, मतलब फ्री फाइट शुरू हो गई। अब उसी में, उसी बीच जब वो एक दूसरे को हाथापाई कर रहे थे, क्यू का हाथ चला गया अपने कंसील्ड ब्लेड, मतलब उसके पास एक ब्लेड था, कंसील्ड मतलब छुपा हुआ, उसके पास उसने अपना हाथ उसमें डाला और एक डीप कट ऑन द फेस ऑफ टी और एक टी के ऊपर चला दिया। अब देखिए इसमें एक बड़ा कैची सिचुएशन है, विदाउट एनी प्री मेडिटेशन, प्री मेडिटेशन का मतलब होता है थॉट ऑफ, दैट मीन्स यू हैव इंटेंडेड, आपका आपकी मंशा थी वो करने के लिए। तो जब आपकी कोई भी चीज करने की मंशा ना हो तो वॉलंटरी में नहीं आता, और अगर आप ग्रेवियस हर्ट की डेफिनेशन देखें सेक्शन 322 अगर आप पढ़ें तो आपको दिखेगा कि वॉलंटरी कॉजिंग ग्रेवियस हर्ट होता है, वॉलंटरी मतलब कि आपने इंटेंशन या नॉलेज से की है। अब यहां पर लिखा है विदाउट एनी प्री मेडिटेशन, मतलब कि उसका कोई मंशा नहीं थी, पर नॉलेज तो थी कि इससे होता है, तो नॉलेज तो थी, इसका मतलब कोई नॉलेज और इंटेंशन के अभाव में नेग्लिजेंस आता है। नॉलेज ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज डिफरेंट फ्रॉम नॉलेज ऑफ द आउटकम ऑफ द एक्ट, ठीक है ना, यहां पर नॉलेज ऑफ द आउटकम ऑफ द एक्ट था, तभी उसने जेब में डाला हाथ और ब्लेड निकाल के उसके मुंह पे डाला, उसे पता है कि ब्लेड से कट लगता है, भले ही उसको उसकी गर्दन काटनी ना हो या उसका फेस काटना ना हो, लेकिन उसे पता था कि ब्लेड से कटता है। कुछ भी आप कहीं भी मारेंगे तो आपका स्किन या फिर आपके मसल्स काफी डीप कट एक आ सकता है, तो ब्लेड बहुत शार्प ऑब्जेक्ट होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको नॉलेज थी, वॉलंटरीनेस में आता है, तो सिंपल हर्ट नहीं है क्योंकि डीप कट आया है, इट इज़ डीफेसिंग, और ये सेक्शन 320 अगर आप पढ़ें तो 8 में से एक कैटेगरी में आ रहा है। सिंपल हर्ट बाय रैश एंड नेग्लिजेंट, सिंपल हर्ट तो है ही नहीं ना, ग्रेवियस हर्ट बाय रैश एंड नेग्लिजेंट, रैश एंड नेग्लिजेंट तब होता जब ड्यूटी ऑफ केयर या फिर इररेस्पेक्टिव ऑफ द नॉलेज ऑफ कॉन्सिक्वेंस, मतलब नो कंसिडरेशन ऑफ द नॉलेज ऑफ कॉन्सिक्वेंस, ऐसा नहीं है, तो ये ग्रेवियस हर्ट ही होगा। डी डी इज योर आंसर।
द लैंडमार्क केस ऑफ स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेज आर पुन्नैया, आर पुन्नैया का केस तो आप हर कोई पढ़ते हो सेक्शन 300 और 299 के डिफरेंस के लिए, इसमें तो आपको आंख बंद करके आंसर देना है, कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं है। विरसा सिंह का केस हो गया जिसमें थर्डली के लिए इंटरप्रिटेशन है, और उसमें भी यही बताया गया है कि कैसे आप थर्डली को कनेक्ट करेंगे, कैसे इंटरप्रेट करेंगे सेक्शन 300 थर्डली को। और आर पुन्नैया का केस तो 299 और 300 का एक टेबल क्रिएट करता है पूरा, कि 299 ए से आप जाएंगे 300 फर्स्टली पे, बी से जाएंगे सेकेंडली थर्डली पे, सी से जाएंगे आप फोर्थली पे। तो ये तो ब्यूटीफुल जो उसका एक इंटरफेस और एक डिफरेंसेस बताए गए वो आर पुन्नैया के केस में, तो आपको आंख बंद करके आंसर ये है, आगे देखने का जरूरत ही नहीं है, आप देखोगे तो है ही यही। जब रिया स्किल्ड आर्टिस्ट डिसाइडेड टू टेस्ट हर एबिलिटीज बाय क्रिएटिंग एग्जैक्ट रेप्लिकाज ऑफ हाई वैल्यू करेंसी नोट्स, ऑब्वियसली काउंटरफीटिंग होने वाली है। यूजिंग एडवांस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अननोन टू हर दीज नोट्स क्लोजली रिजेंबल्ड जेन्युइन करेंसी आफ्टर अटेम्पटिंग टू यूज दीज फोर्ज्ड नोट्स एट अ लोकल स्टोर रिया वॉज एप्रिहेंडेड बाय द पुलिस विच ऑफेंस इज रिया लाइकली टू बी चार्ज विद अंडर द इंडियन पिनल कोड ऑब्वियसली काउंटरफीटिंग ऑफ करेंसी इसके लिए अलग से चैप्टर है और काउंटरफीटिंग को डिफाइन भी किया गया है आईपीसी में। विच सेक्शन ऑफ आईपीसी वॉज स्ट्रक डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट इन जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अडल्ट्री 497 में अडल्ट्री है ये स्ट्रक डाउन कर दिया था। जोसेफ शाइन में क्या हुआ था और कैसे अडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल दिया, किन किन बातों को मद्देनजर रखते हुए, कौन से प्रीवियस जो तीन केसेस थे उनको उनको ओवर रूल किया, इस पर एक यूट्यूब वीडियो भी है अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी यूट्यूब चैनल पे ही है, तो आप चाहें तो जोसेफ शाइन के बारे में सारी जानकारी आपको उसमें केस में मिल जाएगी। व्हाट आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ क्राइम, अब इसमें क्या कोई सोचेगा, मेंस रिया एंड एक्टस रिया, सी इज योर आंसर, इसमें और कुछ देखना ही नहीं, वैसे तो फोर होता है लेकिन यहाँ पर टू तो मेन कॉम्पोनेंट्स है ना। इलीगल पेमेंट इन कनेक्शन विद इलेक्शन इज डेल्ट अंडर, देखिए ये अगर आपको पता था तो आप तभी कर पाएंगे, जैसे मैं जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा था तो मुझे ये नहीं पता था तो ये तो मुझे देखना पड़ा, अगर मुझे क्वेश्चन पेपर देना हो मतलब क्वेश्चन ये मैं पेपर दे रहा होता तो मैं ये छोड़ देता, क्योंकि इसमें मैं रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि ये ऐसा एरिना है जिसमें मुझे एक भी सेक्शन नहीं पता तो मैं फिल्ट्रेशन भी नहीं कर सकता। फिल्ट्रेशन भी वहाँ होती है जहाँ मुझे दूसरे ऑप्शंस कभी पढ़े हों या मुझे पता है कि ये ऑप्शंस क्या हैं, ये तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये तो मुझे चारों में से एक भी ऑप्शन नहीं पता था, बस ये मुझे पता चला कि ये 171H की बात कर रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ जी 171H, ठीक है जी, सी इज योर आंसर। व्हाट शुड बी द एज ऑफ माइनर टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग, 16 साल लड़का 18 साल लड़की, इसमें क्या सोचना है, बिलो 16 इन द केस ऑफ मेल, बिलो 18 इन द केस ऑफ फीमेल, इसमें तो आपको दूसरे ऑप्शंस पढ़ने ही नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे क्वेश्चंस, सोचिए कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं। द ऑफेंस ऑफ फॉलोइंग अंडर सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी कैन बी कमिटेड ऑफ, 378 इज थेफ्ट, थेफ्ट हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी, ओनली यही आंसर है, बोथ मूवेबल इमूवेबल नहीं हो सकता, इमूवेबल नहीं हो सकता, ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी, बी इज योर आंसर। अंडर सेक्शन 45 ऑफ आईपीसी लाइफ डिनोट्स, सेक्शन 45 ऑफ आईपीसी लाइफ डिनोट्स लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ऑब्वियसली ए, हम एनिमल की लाइफ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, एनिमल नहीं कहीं भी नहीं आएगा, ए इज योर आंसर। A gave poison food to B with the intention to kill him. B ate one spoonful of the poison food and kept it aside. C, who was sitting there, picked up the poison food and ate it. C died. Transfer of malice का direct सवाल है ये। तो transfer of malice मतलब अगर मैं मारना चाहता था आपको लेकिन मर गया कोई और, तो जो mens rea है वो transfer हो जाता है, जबकि मेरा intention था कि मैं आपको मारूं, मर गया कोई और तो mens rea ट्रांसफर हो गया, इसी को ट्रांसफर ऑफ मैलीज करते हैं, सेक्शन 301 आईपीसी में टेक केयर किया जाता है, उसमें जो मेरा आपकी तरफ मंशा थी वो मैंने उसकी तरफ ट्रांसफर कर दी, तो एक्ट हो गया, mens rea हो गया, तो वही ऑफेंस लगेगा। तो मैं तो मर्डर करना चाहता था तो मर्डर ही लगेगा, जिसमें कल्पेबल होमिसाइड क्यों करूंगा मैं, कल्पेबल होमिसाइड नॉट ऑफेंस ऑफ मर्डर ही होगा, ए इज नॉट गिल्टी ऑफ, नहीं भैया इट इज बी ओनली, इट इज ट्रांसफर ऑफ मैलीज, सेक्शन 301 आईपीसी का कॉन्सेप्ट लगता है इसमें, बी इज द आंसर। द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट नेमली असर्शन एंड रीजन, लीडिंग क्वेश्चंस आर जनरली अलाउड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इन चीफ, अगर आप पढ़ें सेक्शन 140
वन टू ये सब जो लीडिंग क्वेश्चंस पे हैं, व्हाट डिफाइन डेफिनेशन ऑफ लीडिंग क्वेश्चन, व्हेन कैन दे बी आस्ड, लीडिंग क्वेश्चंस कैन यूजुअली बी आस्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, दे आर ओनली आस्ड इन चीफ एग्जामिनेशन इफ दे हैव बीन सफिशियंटली प्रूव्ड और दे आर समथिंग ऑफ जनरल नेचर, दैट टू विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, अदरवाइज देर विल बी ऑब्जेक्शन ऑफ आस्किंग लीडिंग क्वेश्चन इन चीफ एग्जामिनेशन. तो लीडिंग क्वेश्चन आर जनरली अलाउड ऐसा नहीं होता, जनरली इट इज डिस अलाउड. ठीक है, क्रॉस एग्जामिनेशन एम्स टू टेस्ट द वेरासिटी ऑफ विटनेस टेस्टिमनी एंड अनकवर एनी इनकंसिस्टेंसी, यही तो पर्पज ही है क्रॉस एग्जामिनेशन का. तो ये तो सही है, ये गलत है, ये सही है, तो एक्सप्लेनेशन तो नहीं आ रहा. बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, नो दे आर नॉट ट्रू, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, ये ठीक है, डी इज योर आंसर. सही पता होगा तो आप बिल्कुल सही करेंगे. व्हाट डज सेक्शन, नहीं पता तो छोड़ दो ना, कुछ तो छोड़ोगे भी. What does Section 93 of Indian Evidence Act primarily addresses in relation to documents? Admission of extrinsic evidence to explain any type of ambiguity, exclusion of evidence to explain or amend ambiguous document, admission of evidence to interpret all types of ambiguities, exclusion of evidence for any document with defects. देखिए, जब तक आपको, आपने जब तक टाइटल नहीं पढ़ा होगा, आपको ये कभी भी याद नहीं रहेगा कि सेक्शन 93 में क्या है. इसीलिए मैंने कहा था इंडेक्सिंग बहुत ज़रूरी है, क्रैमिंग द सेक्शंस एंड देयर टाइटल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको वो याद रहेगा तो ये क्वेश्चन दूर नहीं था. खैर, अगर आपने रिवाइज किया है तो ठीक है, आपको याद है, नहीं तो नहीं होगा. वैसे इसका आंसर जो है बी है, एक्सप्लेन और अमेंड एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट्स. ठीक है जी, डायरेक्ट शॉर्ट टाइटल पे है. The court shall presume the legality of e-record under the Indian Evidence Act when the same is 5 years old. अगर कोई physical document होता तो 30 years, नहीं तो 5 years. ठीक है, दोनों ही दिए गए हैं directly. तो B is your answer. Then to determine the relationship between two individuals in a court proceeding, whose opinion would carry weight? रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल, सेक्शन 13 भी है और सेक्शन 58 भी है. इस पे ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट विटनेस, इसमें कोई एक्सपर्ट विटनेस नहीं होता. ओपिनियन ऑफ एनी पर्सन प्रेजेंट ड्यूरिंग द इंसिडेंट, इंसिडेंट के सामने खड़ा हुआ व्यक्ति थोड़ी बताएगा कि क्या रिलेशनशिप है. ओपिनियन ऑफ द जज प्रिसाइडिंग ओवर द केस, ओपिनियन ऑफ द जज विल बी फ्रेम्ड बाय द ओपिनियन ऑफ समवन एल्स, तो ये तो डायरेक्टली नहीं हो सकता. ओपिनियंस एक्सप्रेस्ड बाय दोज विद स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज, जिनके पास स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज हो ऑन द सब्जेक्ट, मतलब कि दो व्यक्ति जो लड़ रहे हैं उनके बीच में क्या रिश्ते हैं, वो वही बताएगा ना जो उस रिश्तों को पहचानता होगा. अब मैं मान लीजिए किसी लड़की के साथ लड़ रहा हूँ और ये पता चल रहा है कि वो ये एलेज किया जा रहा है कि वो मेरी वाइफ है या फिर वो मेरी बहन है, तो किसको पता होगा कि वो मेरी वाइफ है या मेरी बहन है? मेरे परिवार वालों को, जिन्होंने विटनेस किया होगा इस इंसिडेंट को, जो पड़ोस आस पड़ोस वाले या मेरे रिश्तेदार, इन्हीं को पता है ना कि अल्टीमेटली कि कौन है ये लोग दोनों आपस में जो अलेज किए जा रहे हैं. तो स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल मिस्टर एक्स इज समन्ड टू मियरली प्रोड्यूस अ क्रूशियल डॉक्यूमेंट, कैन ही बी कॉल्ड इन एंड सब्जेक्टेड टू क्रॉस एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द ट्रायल. देखिए, जिसको डॉक्यूमेंट देने के लिए बुलाया जाता है उसको सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट के लिए ही बुलाया गया है, उसको क्रॉस एग्जामिन करने का कोई भी आइडिया नहीं है. तो मतलब उसको क्रॉस एग्जामिन नहीं किया जाएगा जब तक कि उसको विटनेस ना बुलाया गया हो. तो डॉक्यूमेंट देने आए, डॉक्यूमेंट देके चले जाइए, उतना ही काम है उसका. क्रॉस एग्जामिनेशन इज नॉट अलाउड अनलेस ही इज फॉर्मली कॉल्ड एज विटनेस, पहला ही ठीक लग रहा है. कैन बी क्रॉस एग्जामिन्ड इमीडिएटली, नॉट एट ऑल. क्रॉस एग्जामिनेशन इज ओनली परमिसिबल इफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूसेस डायरेक्टली चैलेंज, ऐसा नहीं है. उसको सिर्फ डॉक्यूमेंट देने के लिए बुलाया गया, डॉक्यूमेंट देके वो जाएगा. कैन बी क्रॉस एग्जामिन्ड, नहीं, तो पहला ही सही है. ए इज योर आंसर. When one has by his declaration, act or omission intentionally caused or permitted another person to believe a thing to be true and made the other person to act upon such belief, then neither he nor his representative shall be allowed in any suit or proceeding between himself and such person or his representative to deny the same. ये तो estoppel है और section 115 में defined है directly. C is your answer. कुछ भी नहीं है इनमें क्वेश्चंस में. फर्दर एग्जामिनेशन आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय अ पार्टी हु हैज कॉल्ड हिम इज टर्म्ड एज री एग्जामिनेशन. ये तो आप सेक्शन 140, 41, 42 ये सब पढ़ लीजिए, 38, 39 ये जितना भी सब आसपास के सेक्शंस हैं सब एग्जामिनेशंस पे हैं. सी इज योर आंसर. क्रॉस के बाद री होता है, चीफ क्रॉस री, तभी तो बोलते हैं. द कोर्ट ड्रॉज अ प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 112 ऑफ एविडेंस
एक्ट क्वे द लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड बॉर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ अ वैलिड मैरिज बिटवीन मैन एंड हिज वाइफ ऑफ विद इन 280 डेज आफ्टर इट्स रेजोल्यूशन द मदर रिमेनिंग अनमैरिड शैल बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ पैटर्निटी. 112 जो है मैटर्निटी पैटर्निटी बोथ ना पैटर्निटी सॉरी आई एम सॉरी पैटर्निटी की बात करता है. बी पैटर्निटी का प्रिजम्पशन है, मैटर्निटी तो फैक्ट है. फैक्ट्स विच नीड टू नॉट बी प्रूव बाय द पार्टीज इंक्लूड फैक्ट ऑफ ए जुडिशियल नोटिस. या जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट जो होते हैं इनको प्रूव नहीं करना रहता. फैक्ट्स विच हैव बीन एडमिटेड बाय द पार्टीज बिफोर और ड्यूरिंग द ट्रायल. यस, जो फैक्ट एडमिटेड है और जो फैक्ट जुडिशियल नोटिस जिनका लिया गया है इनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है. इनके सेक्शंस अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ. सेक्शंस हैं 56 और 58. ये सेक्शन 56 है, ये सेक्शन 58 है. ठीक है, बोथ ए एंड बी, सी इज द आंसर. बड़े आगे. A certified copy of a registered sale deed issued by the Office of Registrar under the Registration Act 1908. देखिए, certified copy हमेशा secondary evidence होती है, primary कभी नहीं होती, क्योंकि जो original है वो primary है, उसके बाद जो भी copy आपको मिल रही है वो सब secondary evidence होता है. 30 का B, इसको आप section 63 और section 76 के साथ read कर सकते हैं, Indian Evidence Act. वो पिछले वाला भी इंडियन एविडेंस एक्ट ही है. ठीक है जी, ये जो सेक्शन 56 और 58 है ये इंडियन एविडेंस एक्ट की बात कर रहा है. द प्रिजम्पशन ऑफ डेथ अंडर सेक्शन 108 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 द पर्सन इज शोन नॉट टू बी हर्ड फॉर, सबको पता है 7 साल ये, तो इसमें तो कोई वो ही नहीं है, दो राहें. इसमें सेक्शन भी क्या करोगे आप. एविडेंशरी वैल्यू ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द हैंड राइटिंग एक्सपर्ट इज, देखिए हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की जो एविडेंशरी वैल्यू है वो सिर्फ ओपिनियनेटेड है, कंक्लूसिव नहीं होती. ओपिनियन सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस बाय द कोर्ट, ये ठीक है. निल निल तो निल भी नहीं होती, ओपिनियनेटेड होती है. इट इज ओपिनियन नॉट बाइंडिंग. इफ अ डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड इट शैल नॉट बी यूज एज एविडेंस अंटिल बोथ, नहीं खाली एक से एक बात बन जाती है. नन वन बोथ वन बी, खाली एक से बात बन जाती है. सेक्शन 68 है जी एविडेंस एक्ट का, और जिसके मैंने मार्क कर दिए वो तो बता ही रहा हूं मैं आपको. A co-defendant in a case cannot be cross-examined by another co-defendant under any circumstance. Can be cross-examined by another co-defendant. Can be cross-examined by another co-defendant when their interests are adverse to each other. जब एक दूसरे से interest adverse हो तो आप cross-examination कर सकते हैं, मना नहीं है. Otherwise not allowed. The burden of proof as to ownership under the Indian Evidence Act 1872 lies on ownership. को proof वो ही करेगा जो assert करेगा. द ओनर द टेनेंट द पर्सन हु एसर्ट्स इट, जो कह रहा है कि मेरी ओनरशिप है वही तो इसको प्रूव करेगा. सेक्शन 109 अगर आप पढ़ेंगे थोड़ा सा आपको वहां से आइडिया मिल जाएगा. ए इज चार्ज विद ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन विदाउट अ टिकट द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही डिड नॉट हैव द टिकट इज ऑन द प्रोसिक्यूशन द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही डिड नॉट हैव द टिकट इज ऑन द पार्टी हु एसर्ट इज. बस जिसके पास नॉलेज होगी वही कर पाएगा ना, तो यही आंसर है बी. जिसको पता है कि मैंने टिकट खरीदी है वही बताएगा ना कि मैंने टिकट खरीदी है. दूसरा तो यही बोलेगा कि टिकट मैंने मांगी इसने प्रोड्यूस नहीं करी. इन द केस ऑफ ब्राइबरी द कॉन्वर्सेशन बिटवीन द अक्यूज्ड एंड द पुलिस डीकॉय वाज टैप रिकॉर्डेड इट वाज सॉट टू बी गिवन इन द एविडेंस एंड वाज ऑब्जेक्टेड टू बीइंग अ स्टेटमेंट गिवन टू द पुलिस. स्टेटमेंट गिवन टू द पुलिस तब होती है जब इन्वेस्टिगेशन चल रही हो. इन्वेस्टिगेशन नहीं है ये, तो आप उसको डिकॉय विटनेस है, मतलब कि आपने प्लांट किया है वो विटनेस, वो प्लांट करके उससे फ़ोन करवाया, ब्राइबरी की पूरी बात हुई कि इतना पैसा उतना पैसा लगेगा, और इस चीज़ को अभी इन्वेस्टिगेशन इसके बाद स्टार्ट होगी क्योंकि इससे आपको पता चला कि वो डिमांड कर रहा है. तो ये तो एविडेंस में दिया जा सकता है. द रिकॉर्डिंग इज इनएडमिसिबल, क्यों भाई, बिकॉज इट वॉज अ स्टेटमेंट गिवन टू पुलिस. तो स्टेटमेंट गिवन टू पुलिस नहीं है ना, स्टेटमेंट गिवन टू डीकॉय विटनेस है, और पुलिस वाला भी अगर डीकॉय विटनेस बन के गया तो अभी इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं है. स्टेटमेंट गिवन टू पुलिस अंडर इन इन्वेस्टिगेशन इज बार्ड. द डायलॉग बिटवीन द अक्यूज एंड द पुलिस फॉर्म्स पार्ट ऑफ रेस जस्टे हेंस रेलिवेंट, ठीक लग रहा है.
टेप रिकॉर्डिंग इज एन एडमिसेबल वे ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस, ऐसा तो नहीं है। टेप रिकॉर्डेड एविडेंस तो बिल्कुल कई सारे केसेस में बोला गया है। एक बहुत लैंडमार्क केस भी है इंडियन एविडेंस एक्ट में, जिसमें टेप रिकॉर्डेड एविडेंस को एडमिसेबल माना गया, अगर वो टेम्पर्ड ना हो तो। अगर उसका ओरिजिनलिटी प्रूव हो गई है तो आप टेप रिकॉर्डेड एविडेंस को ले सकते हो। मेरे ख्याल से मलखानी मलखानी का कोई जजमेंट है ना, तो ये तो गलत है, ये वाला भी, ये भी गलत है, नन ऑफ दी अबव। ये वाला ठीक लग रहा है बिल्कुल, बी फिल्ट्रेशन से ही आप कह सकते हो कि ये बी ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, ये फॉर्म्स पार्ट ऑफ रेस जस्टे हो सकता है, क्योंकि रेस जस्टे का मतलब समथिंग हर्ड, तो मतलब सम परफॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन आगे पीछे, तो जिसमें सेक्शन 6 में आप रेस जस्टे भी पढ़ लेते हैं, तो उसमें रेलिवेंट और एडमिसिबल हो सकता है। ए इज एक्यूज ऑफ अ चाइल्ड्स मर्डर, द फॉलोइंग एविडेंस केम टू लाइट एन आवर बिफोर द मर्डर, ए वेंट टू द प्लेस ऑफ मर्डर विद द चाइल्ड, ए अलोन रिटर्न्ड होम, कॉलर ऑफ ए शर्ट वॉज ब्लड स्टेन्ड, दी अबव स्टेटेड एविडेंस। देखिए क्या है, डायरेक्ट सर्कमस्टेंशियल रियल सेकेंडरी। देखिए सेकेंडरी एविडेंस और प्राइमरी एविडेंस तो डॉक्यूमेंट पे होता है, दूसरा डायरेक्ट एविडेंस जो होता है वो पीपल हु हैव सीन इट, पीपल हु हैव हर्ड इट, उस पे होता है, मतलब डायरेक्टली उस इंसिडेंट को देखा सुना या परखा गया हो। तो डायरेक्टली किसी ने नहीं देखा, सिर्फ सर्कमस्टांसेस बना रहे हैं कि ए वेंट टू द प्लेस ऑफ मर्डर, ए रिटर्न्ड होम अलोन, इससे क्या प्रूव होता है कि वो मर्डर उसी ने किया है, हो सकता है पीछे से कोई आ गया हो। तो ये तो आप सर्कमस्टांसेस बिल्ड कर रहे हो, सर्कमस्टांशियल एविडेंस है। बी आंसर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द कोर्ट में रेज प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 114 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट दैट अ मैन इन पोजेशन ऑफ स्टोलन गुड्स आफ्टर द थेफ्ट इज आइदर द थीफ और हैज रिसीव द गुड्स knowing them to be stolen, ये presumption आप raise कर सकते हो। That judicial and official acts have been regularly performed, ये भी presumption होता है। That evidence which could be and is not produced would, if produced, be unfavorable to the person withholding it. Example, the police withholding a piece of evidence, ये भी presumption आप raise कर सकते हो। D इसका answer है। इनमें से कोई भी ऐसा presumption नहीं जिसको आप raise ना कर पाओ। अब आते हैं हम दूसरे पार्ट पे, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, रजिस्ट्रेशन, ये सारे एक्ट्स के क्वेश्चंस देखते हैं। हाउ मेनी शेड्यूल्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन, 8 ओरिजिनल थे, उसके बाद 9 ऐड हुआ, फिर 10th ऐड हुआ एंटी डिफेक्शन, फिर 11, 12 पंचायत लोकल गवर्नमेंट, द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज एलिमिनेटेड, ये तो 1978 में हुआ था, 1978 में इसको रिमूव किया गया था। ए इज योर आंसर, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। आर्टिकल 352 डील्स विद नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी है, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी है। व्हेन एनी एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, एनी पर्सन हु हैज रिसीव्ड एनी एडवांटेज अंडर सच एग्रीमेंट इज बाउंड टू रिस्टोर इट टू द पर्सन फ्रॉम हुम ही रिसीव्ड इट, द स्टेटमेंट इज ट्रू। 65 पे चले जाइए, ए इसका आंसर है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, What type of contract is created when one party makes a promise in exchange for the other party's performance? जब मैं promise कर रहा हूँ कि मैं कुछ करूँगा और आप भी मेरे लिए कुछ करेंगे, तो bilateral contract है। इसको A is the answer. Which of the following proposition is correct as regards a contingent contract? The contract will not be contingent if the happening or non-happening depends upon will of the party. ये बिल्कुल सही है। कंडीशन मस्ट बी ऑफ सर्टेन नेचर, ये भी ठीक है। कंटिंजेंसी कंटेम्प्लेटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कोलैटरल, कोलैटरल ही होती है कंटिंजेंसी, लिखा हुआ है सब, सेक्शन 31-36 पढ़ लीजिए, सब यही लिखा हुआ है। तो डी इज योर आंसर। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, माइनर, पर्सन, सभी तीनों ही तो हैं, सेक्शन 11 में लिखा तो हुआ है, डी इज योर आंसर। Section 11 says so. When the consent to an agreement is obtained by undue influence, the agreement is voidable at the option of undue influence. 16A may voidable at the option of the person whose consent is so obtained. यही है, party whose consent is so obtained. The where both the parties to an agreement are under mistake, quay, or matter of fact, the agreement so enter is void. अगर मैटर ऑफ फैक्ट पे दोनों को ही मिस्टेक है तो एग्रीमेंट वॉइड होता है, एक को मिस्टेक होगा तो एग्रीमेंट वैलिड होता है। सेक्शन 20, 21, 22 मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ पे बात करता है, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल। एक्स सेंड एन इंश्योर्ड पार्सल टू वाई, द पार्सल इज नॉट डिलीवर्ड,
देखिए, इसके लिए कोई डायरेक्ट सवाल, डायरेक्ट तो प्रोविज़न है नहीं, ये तो आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप कर देंगे कि भाई जब इंश्योरेंस में अगर आप किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस करते हैं कि ये आप डिलीवर कर दीजिए उनको, तो वहाँ पर ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है दूसरे व्यक्ति में, जबकि कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ नहीं हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे और डिलीवरी वाले के साथ है कि मैं, और फिर इंश्योरेंस वाले के साथ है कि देखिए आप ये डिलीवरी इंश्योर करिए, और जो पार्सल है वो नहीं पहुँची तो जो भी नुकसान होगा वो इंश्योरेंस वाला पे करेगा। वाई मतलब जो कंसाइनी है, वो जिसको रिसीव होना है वो स्यू कर रहा है, जबकि स्यू तो उसे करना चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट में आया, जो कंसाइनर है, तो वो भी स्यू कर सकता है पर वो ट्रस्ट में होगा। ये आपको अब कॉन्सेप्ट पता होगा तो ही आप आंसर मार्क कर देंगे, नहीं तो छोड़ दीजिए। कैन नॉट क्लेम द अमाउंट, ही कैन क्लेम द अमाउंट एक्चुअली, कैन एनफोर्स एज अ कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट इज क्रिएटेड इन हिज फेवर, कैन एनफोर्स ओनली इफ देयर इज एन एक्सप्रेस प्रोविजन इन द कॉन्ट्रैक्ट दैट ही कैन एनफोर्स इट। ये भी ठीक है, अगर एक्सप्रेस प्रोविजन है तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है तो बेटर यही है कि वो कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट से कर सकता है, मतलब एक इंट्रस्टमेंट हो गई है उसको कि आपको आएगा सामान तो आपका ही सामान है, आपको रिसीव होना है तो यू कैन स्यू फॉर इट। नन ऑफ द अबव इज करेक्ट, नहीं सही है, क्योंकि ये तो ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन तो ये भी ठीक है पर बेटर ऑप्शन इज बी। ऐसे क्वेश्चन तो छोड़ने चाहिए बस, और क्या है, ऐसे अगर 5-6 क्वेश्चंस भी अगर आ रहे हैं जो आपको नहीं आते तो कोई बात नहीं, अब 125 में से 5 क्वेश्चन भी आपने अगर छोड़ दिए होंगे तो 120 तो ठीक किए होंगे, 120 इंटू कितने, 5 करने, करके देखिए ज़रा, 4 करने मेरे ख्याल से, 5 भी नहीं, तो 480 नंबर तो बन ही रहे ना आपके, 480 तो लाओ, सेफ हो, 480 में से भी चलो 5 क्वेश्चन और गलत कर दो तो भी आपके 400 से ऊपर बनते हैं तो भी सेफ हैं। A who is a minor borrows money from B. After becoming an adult, he repays the amount of the loan. And after some days, he institutes a suit against B for the recovery of money so repaid. Which one of the following option is correct? A will succeed in recovering money. A will not succeed in recovering money. A will not succeed in recovering money. अच्छा, दोनों same है. As the minor's contract is illegal, as repayment was valid. देखिए, अगर आपने minor होते हुए कुछ पैसा लिया है, अगर वो माइनॉरिटी में आपसे रीपेमेंट करने आए तो आप बोल सकते हैं कि माइनर्स एग्रीमेंट इज़ वॉइड एब इनिशियो, मोरी बीबी केस में बोला गया था, लेकिन अगर वो एडल्ट होके आपको रीपेमेंट कर देता है तो ही इज़ एक्नॉलेजिंग अ पास्ट वॉलंटरी सर्विस, तो ये तो अलाउड है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है इसमें, तो इट इज़ रीपेमेंट इज़ वैलिड सी। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको हल्का फुल्का भी पता है तो आप सही ही करेंगे इसको। कंसेंट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मींस अग्रीइंग टू द सेम थिंग इन सेम सेंस, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कॉन्सेंसस एड इडम इसी को बोलते हैं। सेक्शन 13, प्रोस्पेक्टस ऑफ अ कंपनी इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ इट शेयर इज, देखिए जो भी प्रोस्पेक्टस ब्रोशर्स वगैरह होते हैं वो सब इन्विटेशन टू ऑफर होते हैं, इसमें तो दो राय है ही नहीं। In which of the following cases a firm is compulsorily dissolved by happening of an event makes it unlawful by death of a partner? देखिए, एक partner के मरने पर कभी dissolution नहीं होता, सारे मतलब दो ही partner है, एक मर गया तब तो वो अपने आप stand dissolve हो जाती है, क्योंकि एक से तो partnership create नहीं हो सकती ना, non हो जाएगा, तो अगर 4-5 partners हैं, एक partner मर जाए तो उससे कभी dissolution नहीं आती। By adjudication of partner as an insolvent, again अगर देखिए ऑफ अ पार्टनर लिखा हुआ है, अगर ये लिखते ऑल पार्टनर्स बट वन तब हम इसको बोल सकते थे, तो इसलिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ एक यही ऑप्शन बचा है, तो ए इज योर आंसर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सेक्शन 17(1)(a) इंसर्टेड बाय रजिस्ट्रेशन एंड अदर रिलेटेड लॉज। 17(1)(a) में, वैसे तो ये कैपिटल ए है, 17(1)(a) में जो रजिस्ट्रेशन के ये आया है कि सेक्शन 53(a) जिसमें आप पार्ट परफॉर्मेंस पे सिक्योर करते हैं अपना राइट कि आपको ये जो पोजेशन मिली है ये रिटेन करो, आप पोजेशन से डिस्पोजेस ना किया जाए, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है एग्रीमेंट टू सेल का, तो वहीं एक ऑप्शन है। इज मैंडेटरी ओनली रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी इफ द प्रपोज परचेजर वॉन्ट टू सीक प्रोटेक्शन अंडर 53(a), इसी पर्पज़ के लिए ये अमेंडमेंट आई भी थी, तो सी इज योर आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट जवाब है। इन केस ऑफ सेल बाय डिस्क्रिप्शन इफ द गुड्स डू नॉट कॉरेस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन गिवन बट सर्व द बायर्स पर्पस द बायर, देखिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कहीं भी डायरेक्टली ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि बट सर्व द बायर्स पर्पस, इफ द गुड डू नॉट कॉरेस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन द बायर कैन रिजेक्ट द गुड्स, सिंपली उसका पर्पस सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा, ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी गई है, तो इसमें कोई इमेजिनेशन नहीं है। Dissolution of Muslim Marriage Act 1939 is based on, I think this is based on Maliki,
मालिकी स्कूल, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज जो है वो जो तलाक है वो तो ट्रेडिशनली रिलीजियस बेस्ड लॉज लॉज से है, लेकिन जो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज है ये एक लिबरल अप्रोच है, मतलब कि ये एक डिडक्शंस हैं, और डिडक्शंस जो दिए गए हैं वो मालिकी में कियस जो होता है कियस के फॉर्म में दिए गए हैं। कियस आप समझते ही हैं कि कियस क्या होता है, जो डिडक्शंस होती हैं कि जब आपके सामने कोई दिक्कत आए तो आप डिडक्शंस करते हो। तो बहुत सारे आपके सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ हैं, कुरान, हदीत, सुन्ना, कियस एंड इजमा। तो मालिकी स्कूल जो कि थोड़ा सा एक डिडक्टिव अप्रोच रखता है उसके थ्रू ये बनाया गया है, उनसे उस पर बेस्ड है ये। बाकी शफी स्कूल होता है, हनाफी स्कूल होता है, ज़्यादातर तो वैसे हम हनाफी ही मानते हैं, जो सुन्नी मुस्लिम्स के स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। सुन्नी मुस्लिम्स के लिए हनाफी इज़ दी मेन सोर्स, उसके बाद फिर ये शफी भी है, मालिकी भी है, और मेरे ख्याल से एक और है। चार स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं फॉर सुन्नीज, फिर उसके बाद शियाज के लिए हैं इथना अशरी और इस्माइली और जईदी, ये तो शिया के शिया स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। तो ये तो हो ये तो नहीं है, मालिकी स्कूल से ही ये गवर्न होता है। तो सी इज़ योर आंसर। द मदर ऑफ एन इलेजिटिमेट चाइल्ड हैज़ द पावर टू गिव दैट चाइल्ड इन अडॉप्शन, यस शी हैज़, ओनली विद द कंसेंट, नहीं कंसेंट चाहिए ही नहीं, विदाउट द कंसेंट ये ठीक है, विद द प्रायर कोर्ट की परमिशन नहीं चाहिए, नहीं विदाउट द कंसेंट ऑफ, बट विद द प्रायर परमिशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस, ऐसा भी कुछ नहीं है। डायरेक्टली है वो प्यूटेटिव फादर के बगैर दे सकती है, उसमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। ए मैरिड इन द ईयर 1947 इन अकॉर्डेंस विद हिंदू रिलीजियस राइट एंड सेरेमनीज एंड ही फाइल्स अ पिटीशन फॉर जुडिशियल सेपरेशन। हिंदू मैरिज एक्ट केम इन टू फोर्स इन 1955, सो पिटीशन इज नॉट मेंटेनेबल। अगर आप सेक्शन 11 का शुरुआत पढ़ेंगे तो ऑन और बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट लिखा है, तो मतलब पहले हुई हो सॉलमनाइजेशन, सॉलमनाइजेशन बिफोर और आफ्टर द एक्ट, पहले हुई हो बाद में हुई हो आप जुडिशियल सेपरेशन का ला सकते हैं। तो पिटीशन नॉट मेंटेनेबल, नहीं पिटीशन इज मेंटेनेबल, पिटीशन इज नॉट मेंटेनेबल, यही है बस, आगे पढ़ने की क्या जरूरत है। सी पिटीशन मेंटेनेबल जहां लिखा है वहां आइए, जब आपको पता है आप बस सेक्शन 11 की शुरुआत पढ़ लीजिए वहीं से आंसर निकल जाता है। व्हेन अ मैरिज हैज बिन डिसॉल्व बाय अ डिक्री ऑफ डिवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट एंड नो अपील हैज बिन प्रेफर्ड, द डिवोर्स्ड पर्सन मे मैरी अगेन। देखिए डिवोर्स ये सेक्शन 15 से गवर्न हो रहा है, जिसमें लिखा है कि डिवोर्स पर्सन मे मैरी अगेन, अगर अपील नहीं कर सकते तो इमीडिएटली, लेकिन अगर अपील कर सकते हैं तो अपील पीरियड के बाद, वेयर नो अपील इज प्रेफर्ड देन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द अपील पीरियड। तो सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग अगर हम चलें, और क्वेश्चन में देखिए कहीं भी नहीं लिखा कि अपील का राइट नहीं है, वेयर देर इज नो राइट ऑफ अपील देन यू कैन डू इट इमीडिएटली, बट वेयर देर इज अ राइट ऑफ अपील एंड देर इज नो अपील प्रेफर्ड, तो आप अपील पीरियड खत्म होने के बाद कर सकते हैं। अपील पीरियड खत्म हुआ कहाँ लिखा है, वो सेक्शन 28 में लिखा हुआ है हिंदू मैरिज एक्ट में, वो 90 days है। तो मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, डी इज द आंसर, डी शुड बी द आंसर, क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर पासिंग ऑफ द डिक्री ऑफ डिवोर्स इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज नो राइट ऑफ अपील। अगर आपके पास अपील का राइट ना हो तभी आप ये इमीडिएटली आफ्टर पासिंग ऑफ डिक्री कर सकते हैं कि तुरंत बाद कर लें डिवोर्स आने के पर। एंड नो अपील हैज बिन प्रेफर्ड लिखा है, तो नो अपील हैज बिन प्रेफर्ड मतलब यू हैड राइट ऑफ अपील, तो आप अपील पीरियड के बाद ही करेंगे, तो 90 दिन तक तो रुकेंगे ना, 90 दिन भी दिए हुए हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, तो ये कंबाइंड रीडिंग ऑफ टू सेक्शन है। एज पर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सपिंडा रिलेशनशिप एक्सटेंड्स टू, ये तो डायरेक्टली डेफिनेशन में लिखा हुआ है, 3 inclusive mother, 5 inclusive father, देख ले कहाँ लिखा है, 3rd generation inclusive in line of ascent through mother, 5th, यही सही है बस, यही यही आंसर ठीक है आपका, आगे पढ़ने की जरूरत ही कहाँ है, यही परफेक्ट है, इसके अलावा सब इधर उधर ही करके लिखेंगे। वट इज द पोजिशन ऑफ अ नॉमिनी अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट, देखिए हिंदू सक्सेशन एक्ट में एज सच कोई नॉमिनी का कोई ऐसा डिस्क्रिप्शन नहीं है, ना ही कोई प्रोविजन है, ना जाने ऐसा क्यों लिखा है, लेकिन नॉमिनी के बारे में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि नॉमिनी जो होता है वो लीगल एयर नहीं होता, या फिर उसी को नहीं मिलेगा, वो इंटरेस्ट होल्ड करता है कोई भी चीज़, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा बैंक अकाउंट है और मेरे बैंक अकाउंट में नॉमिनी जो है वो मेरा ब्रदर है, तो मेरा ब्रदर नॉमिनी होने का मतलब कि मेरे मरने के बाद जो एग्जीक्यूटेंट होगा, जो इस इन चीज़ों को संभालेगा, जिसके जो पैसे को देखरेख करेगा, वो नॉमिनी है, मतलब कि आप नॉमिनी को
संपर्क करिए, तो मेरे ब्रदर को संपर्क करोगे, लेकिन ब्रदर तो मेरा क्लास टू एयर है, क्लास वन भी नहीं है, क्लास वन में तो मेरे मदर वाइफ और मेरे बच्चे आते हैं, फादर भी नहीं आते, तो मिलेगा एयर्स कोई? मेरा पैसा जो मान लीजिए मेरे अगर अकाउंट में जो भी जितना भी पैसा होगा अगर वो किसी को बटना होगा तो बटेगा तो क्लास वन एयर्स को ही, अगर वो जिंदा होंगे तो मेरी मदर और मेरी वाइफ या बच्चे जिंदा होंगे तो उन्हीं को मिलेगा, मेरे ब्रदर को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर मेरे ब्रदर नॉमिनी का मतलब क्या है? नॉमिनी मतलब ट्रस्ट में होल्ड करेगा, वो उसको एग्जीक्यूट करवाएगा कि देखिए एकदम से पैसा इधर उधर ना चला जाए, आई एम द वन हु शुड बी अप्रोच्ड, आई विल टेक केयर ऑफ दैट, बट इट विल बी गिवन टू द एयर्स ओनली थ्रू सक्सेशन। बट ये वाला ठीक है ना, इसमें देखिए नॉमिनी रिटेन्स द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव्ड अंडर नॉमिनेशन एंड दस एंटाइटल टू इट, रिटेन्स द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव्ड अंडर एंड इज एंटाइटल्ड, ऐसा नहीं है, रिटेन नहीं करेगा, नॉमिनी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी बट होल्ड्स इट एज अ ट्रस्टी, रिसीव करेगा और ट्रस्टी की तरह होल्ड करेगा, ट्रस्ट किसके? बेनिफिशरीज के लिए, बेनिफिशरीज कौन है? एयर्स। अब ये आपको पता था तो ठीक है, नहीं तो आप छोड़ सकते थे। नॉमिनी इज इक्वलेंट टू द एयर, ऐसा नहीं है, नॉमिनी एयर के इक्वलेंट नहीं होता। हाँ, अगर नॉमिनी ही एयर है तो बात अलग है, अगर मैंने अपने बेटे को ही बना दिया नॉमिनी या बीवी को बना दिया है तब भी वो होल्ड करेगा ट्रस्ट में ही, क्योंकि वो वन ऑफ द एयर है। अगर मेरी माँ और मेरे बच्चे जिंदा हैं तो सबको इक्वल बटने वाला है, तो खाली मेरी बीवी को ही नहीं जाएगा अगर मेरी बीवी नॉमिनी है तो। अंडर द सक्सेशन एक्ट व्हेन अ हिंदू वुमेन डाइज इंटरस्टेट हर प्रॉपर्टी विल बी इनहेरिटेड फर्स्टली बाय हर। देखिए जब भी वुमेन डाइज इंटरस्टेट उसकी प्रॉपर्टी सबसे पहले हस्बैंड और बच्चों को जाती है, डी, और उसके बाद फिर वो फादर मदर बायोलॉजिकल और फिर इन लॉज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है। हिंदू सक्सेशन में मेल की इनहेरिटेंस अलग है, फीमेल की इनहेरिटेंस अलग है, तो पता ही है सबको। हु अमंग्स द फॉलोइंग फीमेल डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू इंडिविजुअली अडॉप्ट अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। अब मैरिड फीमेल, देखो इसी को नहीं है, क्योंकि मैरिड फीमेल को हस्बैंड से कंसेंट लेना होता है, तो वो इंडिविजुअली अडॉप्ट नहीं कर सकती। मैरिड फीमेल है ना तो हस्बैंड होगा, तो हस्बैंड से कंसेंट जरूरी है। एन अनमैरिड फीमेल, यस शी कैन टेक, विडो यस, डिवोर्सी यस, तो यही है ए, क्योंकि इनके हस्बैंड्स नहीं है ना, जिनके हस्बैंड है उसको कंसेंट लेना है, तो कौन नहीं कर सकती, तो यही है, बाकी तीनों तो कर ही सकती हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन? जुडिशियल सेपरेशन में डिवोर्स की तरह डिसोल्यूशन नहीं होता, शादी रहती है बट आप अलग अलग रह सकते हैं। Dissolves the marriage? Not at all. Doesn't dissolve the marriage and the marriage subsists? Yes. Merely suspend cohabitation? ये भी ठीक है। इससे क्या होता है कि आप आपस में बस रहने के लिए, आपका रहने के लिए कोई obligation नहीं है, तो D is your answer. दोनों चीजें ठीक है। A court can dash an order under section 25, modify, vary, reassign, तीनों ही काम कर सकते हैं, D is your answer. An adoption validly made under the provision of the Hindu adoption can be cancelled by, तो cancel ही नहीं होता, the adopter नहीं, the natural persons, natural parents no, both A and B, ना फिर तो कोई मतलब है, neither A and B, D, इसको कभी आप cancel नहीं कर सकते, एक बार adoption हो गया तो बस वो final है। When two persons are descendants of common ancestor but different wives, देखिए अगर आपका male common है और female अलग अलग है तो इसी को बोलते हैं हाफ ब्लड। अगर आपकी फीमेल कॉमन होती और मेल अलग अलग होते तो इसको बोलते हैं यूटराइन ब्लड, तो ये हाफ ब्लड है, ए इज योर आंसर। ये तो सब डेफिनेशन में है। सेक्शन 18 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट प्रिस्क्राइब पनिशमेंट फॉर चाइल्ड मैरिज, मैरिज बिटवीन सपिंडा, मैरिज पर्सन फॉलोइंग डिग्री, यस चाइल्ड मैरिज सबके लिए है, डी। 17 में बाइगमी को आपने आईपीसी से गवर्न कराया है, 18 में लेकिन पनिशमेंट है। विच सेक्शन ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट प्रोहिबिट्स अ माइनर टू एक्ट एज अ गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी माइनर? डायरेक्टली सवाल जो है ये सेक्शन का है, इसमें मेरे ख्याल से सेक्शन 10 है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि डायरेक्ट सवाल सेक्शन से है। अगर आपने इंडेक्सिंग सही से करी होगी तो आपको पता ही होगा, नहीं करी होगी तो नहीं पता होगा। This is section question number 112. Section 10 is your answer. So it is none of the above. Section 10 में लिखा है ऐसा, ठीक है जी। Which out of the following sections of Hindu Succession Act 1956 mentions about the order of succession among heirs in the schedule?
देखिए, अब इसमें एक जो प्रॉब्लम हमने फेस करी है वो ये था कि व्हेन आई वाज सीइंग दिस, तो जब सेक्शन को देखा प्रॉपरली, क्योंकि एज यू रिमेम्बर द ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग एयर्स, ये एग्जैक्टली ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग एयर्स एग्जैक्टली ये सेक्शन 9 में लिखा हुआ है एज अ शॉर्ट टाइटल। अगर आप सेक्शन 9 का शॉर्ट टाइटल पढ़ें तो आपको यही मिलेगा, ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग एयर्स इन दी शेड्यूल, बिल्कुल यही लिखा हुआ है। तो कौन सा सेक्शन मेंशन कर रहा है? सेक्शन 9। सेक्शन 9 यहाँ पर है ही नहीं। 8, 12, 6, 7, 8, 9 से पहले 8 बनता है, लेकिन 8 भी सही आंसर मान सकते थे, लेकिन एग्जैक्टली जो लिखा हुआ है अबाउट दी ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग एयर्स इन द शेड्यूल, दिस इज शॉर्ट टाइटल ऑफ सेक्शन 9, सेक्शन 9 इज नॉट गिवन हियर। तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, इस पे आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, ये क्वेश्चन डिलीट होने लायक है क्योंकि इसका आंसर ही नहीं है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इम्पोटेंसी डेवलप ड्यूरिंग सब्सिस्टेंस ऑफ अ हिंदू मैरिज? अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान देने वाली बात है कि सब्सिस्टेंस ऑफ हिंदू मैरिज, डेवलप ड्यूरिंग सब्सिस्टेंस ऑफ हिंदू मैरिज, अब इसका क्या मीनिंग निकालें? ड्यूरिंग सब्सिस्टेंस ऑफ हिंदू मैरिज, एज सून एज आई मैरी, एज सून एज आई मैरी आई कुड बी कंसिडर्ड टू बी एज इन द सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज। सो एज सून एज आई मैरी एंड द मैरिज इज नॉट कॉन्ज्यूमेटेड ड्यू टू इम्पोटेंसी, माई आई सोलमनाइज माई मैरिज, मेरे फेरे वेरे हुए सारे जो एसेंशियल सेरेमनीज थी जैसी खत्म हुई, और उसके बाद मैं मैरिज आई एम कंसिडर्ड टू बी एज मैरिड, मैं पर्णे सूत्र में बंधा हुआ माना जाऊंगा, मैं भी और मेरी धर्मपत्नी भी। तो अब ये बताइए कि सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज और पेंडेंसी ऑफ मैरिज बिगिंस फ्रॉम देयर। नाउ इफ द मैरिज इज टू बी कंज्यूमेटेड, कॉन्ज्यूमेशन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इंपोटेंसी है, तो सेक्शन 12 कहती है कि अवॉइडेबल कर दीजिए मैरिज को। आप जो भी इंपोटेंट है, जो ऑपोजिट पार्टी है, तो अगर वो इंपोटेंसी से कॉन्ज्यूमेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको अवॉइडेबल कर दीजिए। अब अगर आपकी कॉन्ज्यूमेशन हो चुकी है, दैट मीन्स कॉन्ज्यूमेशन हो गई, विच उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कॉन्ज्यूमेशन थ्रू इम्पोटेंसी एंड इनफर्टिलिटी इज डिफरेंट, वो सब आपको पता ही है। तो कॉन्ज्यूमेशन अगर हो चुकी है प्रॉपरली, उसके बाद फिर कभी इम्पोटेंसी आई, तो ये ग्राउंड नहीं बनता, क्योंकि कॉन्ज्यूमेशन ड्यू टू इम्पोटेंसी की बात कर रहे हैं। कॉन्ज्यूमेशन हो गई फिर अगर इम्पोटेंसी आई तो सेक्शन 12 नहीं लगेगा, लेकिन कॉन्ज्यूमेशन नहीं हुई ड्यू टू इम्पोटेंसी तो वॉइडेबिलिटी लग जाती है। अब अगर ये क्वेश्चन पढ़ें, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इम्पोटेंसी डेवलप्ड ड्यूरिंग सब्सिस्टेंस ऑफ हिंदू मैरिज, इस ड्यूरिंग सब्सिस्टेंस ऑफ हिंदू मैरिज, क्योंकि सब्सिस्टेंस ऑफ हिंदू मैरिज स्टार्ट्स विद मैरिज इटसेल्फ, दैट मीन्स द टाइम द मैरिज इज सॉल्मनाइज्ड, जिस दिन जैसे ही मैरिज सॉल्मनाइज हो जाएगी, सब्सिस्टेंस ऑफ हिंदू मैरिज स्टार्ट्स, दैट मीन्स राइट फ्रॉम द टाइम दैट आई एम कंसिडर्ड मैरिड, जिस दिन जिस वक्त से मुझे विवाहित आप समझेंगे उस वक्त से सब्सिस्टेंस शुरू हो गई। अगर उस सब्सिस्टेंस पे, मतलब उस शुरुआत पे मैं इम्पोर्टेंट था और मैरिज कॉन्ज्यूमेट नहीं हुई, तब तो समझ में आ रहा है कि आप अवॉइडेबिलिटी लेके आएंगे। लेकिन अगर आपकी मंशा ये है कि कंज्यूमेशन हो गया लेकिन बाद में इम्पोटेंसी हुई, तो सेक्शन 12 नहीं लगेगा। अब यहां पर इस जरा स्टेटमेंट में मेरे हिसाब से एक एम्बिग्विटी है, एम्बिग्विटी मतलब समझ नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं है, साफ नहीं दिख रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हो। द मैरिज वुड रिमेन वैलिड, देखिए अगर फिर वही बात है, ये सही है कि अगर ये इम्पोटेंसी आफ्टर कंज्यूमेशन डेवलप हुई है, कंज्यूमेशन वॉज प्रॉपर, इम्पोटेंसी डेवलप्ड आफ्टरवर्ड्स, द मैरिज रिमेन्स वैलिड, फिर कोई दिक्कत नहीं आती। द मैरिज वुड बी वॉइड, वॉइड तो होगा ही नहीं क्योंकि अगर कंज्यूमेशन ड्यू टू इम्पोटेंसी नहीं हुई तो वॉइडेबल ही होगा, द मैरिज वुड बी वॉइडेबल, ये भी ठीक है। द मैरिज शैल स्टैंड एन्यूल्ड, शैल स्टैंड एन्यूल्ड भी ठीक है क्योंकि वॉइडेबल होगा तो शैल स्टैंड एन्यूल्ड अपने आप नहीं होगा, वॉइडेबिलिटीज होगा, तो ये भी नहीं मान रहे चलो हम। तो एक यही सिचुएशन बनता है, मतलब वॉइडेबिलिटी में इफ द ऑप्शन इज टेकन टू एन्यूल देन द मैरिज विल बी कंसिडर्ड एन्यूल्ड, तो ये भी नहीं मान रहे हम। तो इन दोनों में मुझे कंफ्यूजन है, वो इस वजह से क्योंकि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंसी डेवलप ड्यूरिंग सब्सिस्टेंस ऑफ अ हिंदू मैरिज, ड्यूरिंग सब्सिस्टेंस मतलब कि आप ये चाह रहे हैं कहना कि कॉन्ज्यूमेशन ऑफ मैरिज
वाला एरिया छोड़ के, क्योंकि मैरिज जब शुरू हुई तो सब्सिस्टेंस शुरू हो गई भाई, राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ मैरिज सब्सिस्टिंग, मैरिज सब्सिस्ट, अब तो चल ही रही है, अब उसके बाद ही कंज्यूमेशन करोगे, उससे पहले तो नहीं करोगे। तो कंज्यूमेशन के वक्त इंपोर्टेंसी अगर उससे पहले आ चुकी थी और कंज्यूमेशन नहीं हुई उस इंपोर्टेंसी की वजह से, तो अवॉइडेबिलिटी में आ जाएगा। लेकिन कंज्यूमेशन सही हुई और उसके बाद अगर इंपोर्टेंसी आई तो फिर वैलिड हो जाएगा। तो मुझे एक कंफ्यूजन है लॉजिकली, बाकी व्हाट दे आर कंसिडरिंग आई डोंट नो, बिकॉज दे हैव सेड दैट मैरिज रिमेन्स वैलिड, सो दे मे बी कंसिडरिंग कि कंज्यूमेशन ठीक हुआ है उसके बाद की प्रॉब्लम, उसके बाद इम्पोटेंसी आई है। सो आई हैव अ सजेशन हेयर दैट देयर मे बी एन ऑब्जेक्शन हेयर टू, आई हैव अ सजेशन, बट इट वुड डिपेंड अपॉन एनी अदर फर्दर क्लैरिफिकेशन ऑफ एनी केस और व्हाट्सो एवर विच आई डिडंट फाउंड। आप देख लीजिएगा कि इसमें ऑब्जेक्शन जाना चाहिए कि नहीं। मेंटेनेंस पेंडेंटलिटी अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में बी ग्रांटेड बाय द कोर्ट ओनली। देखिए हिंदू मैरिज एक्ट ही एक ऐसा है जहां पर 24-25 दोनों में मेंटेनेंस पेंडेंटलिटी एलिमनी हो, वाइफ हस्बैंड को, हस्बैंड वाइफ को भी दे सकता है। सो ओनली टू वाइफ, ओनली टू वर्स, ओनली टू चिल्ड्रन, टू आइदर वाइफ और डी इज योर आंसर। लास्ट चरण में आ गए हम, थर्ड क्लस्टर लीगल जीके, हरियाणा अर्बन और पंजाब कोर्ट सेक्ट, फटाफट कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया मेक अ स्टेटमेंट ऑफ जनगणमन। अब ये सब तो प्योरली फैक्चुअल है, प्योरली, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, प्योरली फैक्चुअल है, ये तो जो आंसर है वो आंसर है। तो ये तो जनवरी 24 में हुआ था, डी इज योर आंसर। इसको तो हम फटाफट खत्म करते हैं। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, क्लेमेंट एटली। इसमें आपको एक दिमाग थोड़ी लगाना है। शारदा एक्ट ऑब्वियसली, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट डी, कॉन्स्टिट्यूशन डे सबको पता है नवंबर 26 डी, इन विच ईयर डिड नीति आयोग 2015 डी, एरिया ऑफ अंडमान निकोबार फॉल अंडर जुरिसडिक्शन ऑफ विच हाईकोर्ट, कैलकाटा हाईकोर्ट डी, लक्षद्वीप जो है वो केरला हाईकोर्ट है और अंडमान निकोबार जो इधर है वो कैलकाटा हाईकोर्ट है। कैलकाटा यहाँ है, केरला यहाँ है, तो लक्षद्वीप यहाँ है और अंडमान यहाँ है। अंडमान के लिए कैलकाटा है और उसके लिए यहाँ है, ठीक है जी। फर्स्ट इंडियन अपॉइंटेड एज परमानेंट जज ऑफ ICJ नागेंद्र सिंह जी, जस्टिस दलवीर भंडारी तो अभी इनकम्बेंट ही हैं। द ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग को संविधान सदन बोला जाता है बी, आसानी थे वैसे। विच ऑफ द फॉलोइंग केस नॉट रिलेटेड टू LGBTQ, देखिए अब ये तो आपको देखना ही पड़ेगा कि किस में है कि नहीं है। मेरे ख्याल से ये कौन सा केस था, इसमें है पुट्टस्वामी शफीन जहान में, नबम रेबिया केस है शायद जिसमें नहीं है। ए इज योर आंसर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 67, जस्ट अ मोमेंट यस, नबम रेबिया केस ए इज योर आंसर। अगर नहीं आता तो छोड़ भी सकते थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वॉट इज द नेम ऑफ इंडिजिनसली बिल्ट इन सर्विस मिसल ऑफ क्रॉवेट विच इंडिया, मेरे ख्याल से INS किरपान बी इज योर आंसर। फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज बेस्ड ऑन, सबको ही पता होगा, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ए, इसी पे इस फॉर्मेशन हुई है। फ्रॉम वेयर द प्रोविजन ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, जर्मनी, ये तो आपको रटाई होना चाहिए सब बी। जर्मनी बीट बेल्जियम टू विन द मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप, इन विच सिटी द फाइनल मैच, मेरे ख्याल से भुवनेश्वर में हुआ है ए। वेयर वॉज द 28th एनुअल यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट मीटिंग, दुबई, अभी दुबई तो होके आए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अप्रोच द इंटरनेशनल फॉर जेनोसाइड अगेंस्ट पैलेस्टीनियन ड्यूरिंग द गजा कन्फ्लिक्ट, 110 इट इज साउथ अफ्रीका डी, ठीक है जी, डी इज योर आंसर, साउथ अफ्रीका गया है। US क्यों जाएगा, वो तो सपोर्ट ही कर रहे हैं। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ग्राउंडेड अ चार्टर्ड प्लेन विथ 300 इंडियंस ओवर सस्पिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फ्रांस, अभी हुआ था फ्रांस में। अगर आप जनरली न्यूज भी पढ़ते होंगे तो आपने सब ठीक कर दिया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव आज इंडिया टू विदड्रॉ इट्स ट्रूप, सबको ही पता है, मुइज्जू जी की नाराज चल रहे हैं आजकल। Which of the following movies from India won Oscar for Best Documentary in 95th? Elephant Whisperers B. In October 20, CEO of Facebook announced the name change. Meta ho gaya na Facebook ab. C.
Which of the following titles was renounced by Harry? अच्छा हाँ, His Royal Highness उसने मना कर दिया कि मेरे को ऐसा मत बुलाओ, जस्ट कॉल मी सर, हिज रॉयल हाइनेस. कैन अ टेनेंट हु सबलेट्स अ बिल्डिंग और रेंटेड लैंड कैन बी कंसिडर्ड अ लैंडलॉर्ड. ये लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में ही है, तो येस अ टेनेंट कैन बी कंसिडर्ड. बी इज योर आंसर. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 ऑफ हरियाणा, वेन कैन अ पर्सन कन्वर्ट अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग इन टू नॉन रेजिडेंशियल? ओनली विद परमिशन इन राइटिंग ऑफ द कंट्रोलर. बी इज योर आंसर. द प्रोविजन ऑफ हरियाणा अर्बन रेंट कंट्रोल एविक्शन एप्लीकेबल टू रेंट गिवन ऑन लीज फॉर रेजिडेंशियल बिजनेस, दोनों के लिए है. बोथ सी. सी इज योर आंसर. एज पर सेक्शन 24 ऑफ पंजाब कोर्ट्स एक्ट 1918, हु प्रिसाइड्स ओवर द प्रिंसिपल? इट इज डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं वो प्रिंसिपल सिविल कोर्ट होते हैं. ऑलमोस्ट हर जगह यही है, डिस्ट्रिक्ट जज ही प्रिंसिपल सिविल कोर्ट के पीओ होते हैं. तो ये थे आपके आंसर्स और आपका जो पेपर था उसके प्रोबेबल आंसर्स और प्रोबेबल ऑब्जेक्शंस विच आई सजेस्टेड टू यू. यू मे सी देम वंस एंड कैन क्रॉस चेक वंस दैट इफ दे आर possibly could be objected to. देख लेना एक बार अपने आप से. मेरे से दो सजेशंस हैं ये, और फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में किसी टॉपिक के साथ या किसी एनालिसिस के साथ. आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.